टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक शानदार सुबह, एक शानदार शो लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। हमें हमेशा आपकी जो ईमेल्स हैं, आपकी कॉल्स हैं, आपके जो मैसेजेस हमें आते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ाते हैं और हमें ये जस्तजू देते हैं कि हम अपना शो रोज़ाना बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेते जाएं और आपको बेहतरीन इंफोटेनमेंट और बेहतरीन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, जिससे आपकी ज़िंदगियां बेहतर हो सकें, आप कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें और अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा कर सकें। ख़वातीन हज़रात, आज मैं आते हुए ये सोच रहा था, एक दोस्त की सालगिरह थी, मैं विश करना भूल गया था, तो एक लंबा चौड़ा उनका मैसेज आ गया कि अरे भाई मेरी सालगिरह है और इतना तो भाई याद नहीं रहा, तुम स्टार हो गए हो और ये हो गए हो वो हो गए हो। फिर मैंने कहा अरे यार आई एम सॉरी, मैं ट्रैवल कर रहा था, नहीं था। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि बड़े, जो हम पे बड़ा अपना मान रखते हैं और बड़े मान से हमसे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी बिजी लाइफ से या अपने थोड़ी सी, हमें आई थिंक जब हम कामयाब हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा गुरूर आ जाता है या हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार पता नहीं क्यों मैसेज कर रहा है। लेकिन कभी ये चीज़ सोचिएगा कि अगर आपको कोई याद कर रहा है, कोई अच्छी दुआ दे रहा है, आप तक वो दुआ पहुंच रही है और आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो प्लीज़ उसको मोहब्बत से रिप्लाई कीजिए। ज़िंदगी में दोस्तों की बेतहाशा अहमियत होती है। ज़िंदगी में अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और एक बात मुझे प्लीज़ ये ख़वातीन से सुनने को ना मिले और हजरात से भी कि मेरी तो बीवी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ऑफकोर्स बीवी और जो शौहर होता है वो ज़िंदगी के ऑफकोर्स बेहतरीन पार्टनर ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी में और दोस्तों की भी ज़रूरत है। आपकी जो बीवी हैं, आपके जो शौहर हैं, उनको आपके दोस्तों के सर्कल का हिस्सा होना चाहिए ताकि आप एक सर्कल में मूव करें, हंसें बोलें, बातें करें। और आपको पता है जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों से मिलते जुलते हैं, बाहर खाने पे जाते हैं, उनको घर बुलाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, ईद बकरीद पे प्लान्स बनाते हैं, छुट्टियां साथ गुजारने बाहर जाते हैं, उसका आपकी जो दिमागी सेहत है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये बात मैं इतनी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ ज़िंदगी के अंदर। अगर आप अपने आप को आइसोलेट रखेंगे और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार मुझे तो कभी अच्छे दोस्त मिले नहीं और मुझे तो कभी अच्छा कोई कंपेनियन मिला नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा दोस्त चाहते हैं तो आपको वो अच्छा दोस्त बनना है। ये ज़रूर याद रखिएगा, जो अच्छाई आप ज़िंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरे साथ लोग अच्छा बिहेव करें, आप पहले वो बिहेव करना खुद शुरू करें, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो एक अक्स की तरह हमारी ज़िंदगी पे उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट होता है। हम जो भी करते हैं वो हमारे पास वापस आता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने लोगों के साथ अच्छा करना है, दोस्तों की बहुत अहमियत है। अपने दोस्तों को ज़िंदगी में रिटेन कीजिए, अपने दोस्तों से हमेशा बात कीजिए, उनके साथ घूमने फिरने के प्लान्स बनाइए और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ आप डिस्कशंस कर सकें, अपने दिल की बात कर सकें। और मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो होती है ना कि यार वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने उसको अपने दिल की गहराई में जो एक बात छुपी हुई थी वो बता दी, जो दिल की गहराई में बात है ना उसको उठा के बाहर फेंक दे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये दिल की गहराई वहराई, ये जो सारी बातें ना, ये हमें फिल्मों ने सिखा के हमारे दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। आपको अच्छे दोस्त ज़िंदगी में चाहिए ताकि आप एक अच्छा वक्त गुजार सकें, उनके साथ मिलें, बैठें, खाना खाएं, हंसें बोलें, ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें, दैट्स इट। ये जो सीक्रेट शेयर करने की चीज़ है ना, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। दिल की बात करना ज़रूरी है लेकिन राज देना कोई ज़रूरी नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, आज का बड़ा ही शानदार शो हमने आपके लिए लाइनअप किया है। हमारे साथ हुमैरा नाज होंगी, हर्बलिस्ट हैं, वो चेहरे पे जो चिपचिपाहट होती है, गर्मी के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उससे उसके दो मास्क बनाना सिखाएंगी कि चेहरा किस तरह तरोताज़ा रह सकता है। सोफिया आरिफ मेकअप आर्टिस्ट होंगी जो कि एक बड़ा अच्छा आपको मेकअप का लुक करके दिखाएंगी हमारी मॉडल के ऊपर। और रमशा रज़ा होंगी, बड़ी शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो ये बताएंगी कि हमारा क्यों ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से या कभी बहुत मेन चीज़ों से फोकस हट जाता है और हम बहुत ज़्यादा अपना जो अटेंशन है वो खो देते हैं चीज़ों की तरफ। तो आज का एक शानदार सा शो ख़वातीन और हज़रात स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक में।
खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। आप लोग जितनी ग्रीन टी पी लें, जितनी ब्लैक कॉफ़ी पी लें, जितने फाके कर लें, उसका कोई असर नहीं होगा जब तक एक्सरसाइज या योगा को ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, या तो योगा करें या एक्सरसाइज करें, क्योंकि फिटनेस के लिए ये दोनों चीज़ें बेतहाशा अहम है। अरे मैं तो सारा दिन कुछ नहीं खाती, मैं तो नाश्ता भी नहीं मैंने कभी किया, अरे भाई मैं तो दफ्तर जाता हूँ तो बस एक बिस्किट खा लेता हूँ। क्यों? अपने साथ ही ज्यादती और जुल्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना सुबह उठ के सब ने कम अज़ कम 12 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप सेहतमंद रहें और अच्छा महसूस करें और दिन बड़ा शानदार गुजरे। और एक्सरसाइज में क्या करना है, डोंट वरी, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा अनस, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। हमारे साथ है सुमैया सुल्तान, जो हमें आज फॉलो करेंगी। बेसिकली मैं हूं आज यहां फिटनेस को डिस्कस करने के लिए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कहती हैं कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, हमारा जिम आना मुश्किल है, बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो वो नहीं आ सकती हैं। तो आज हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं, तो हम आपसे अपने वर्कआउट को डिस्कस करेंगे, वेट लॉस को डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेसिक वार्म अप से। तो बेसिक हम बहुत लाइट तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम करेंगे शोल्डर से, 5-5 टाइम्स करेंगे। अनदर साइड, नेक्स्ट, अनदर साइड, स्ट्रेच योर साइड, अनदर साइड, चेंज टू नेक्स्ट, नेक्स्ट, टेन, नेक्स्ट, 10, 10, next, another side, next, side change, next, side change, next, side change, change, now lightly hop। अब हमारी hopping start हो गई है। अब हमें slowly slowly अपनी heart rate को ऊपर की तरफ लाना है। Next, slowly slowly rotating our arms, anti-clock। मेक श्योर कि आप साथ साथ ब्रीथ भी कर रहे हो, ब्रीदिंग इज अ मस्ट पॉइंट। जॉग, स्किप, नेक्स्ट, another side,
नेक्स्ट। 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 मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग स्क्वाट्स, ठीक है? स्लाइटली बेंड योर नीज एंड मूव योर अपर बॉडी। ये स्क्वाट का बेसिक वार्म अप है। जब भी हम स्क्वाट करते हैं तो उसका भी एक अलग से वार्म अप होता है। ओके, दिस वन इज लास्ट। वेलकम बैक खबर रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैंने इतना अच्छा ये ड्रैगन्स का चाइनीज जैकेट पहना है और आप पश्तो म्यूजिक बजा रहे हैं, ये क्या? ये तो बहुत ज्यादती की बात। देखें, आपको थोड़ा चाइनीज कुछ बजाना चाहिए था, लेकिन पश्तो म्यूजिक कोई बात नहीं, हमारी शान है पश्तो म्यूजिक। खवातीनों हजरात, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, बहुत ज़्यादा आपका चेहरा शाइनी हो जाता है और जब आप हाथ लगाते हैं तो थोड़ा मुंह पे स्टिक करता है। और कराची में तो वैसे ही ये प्रॉब्लम है चिपचिपाहट की, बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ होते हैं। एक गर्मी होती है और आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है और चिपचिप से आप बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं करते, अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि परेशानी का हल लेकर आ गई है हमारी बहुत ही खूबसूरत दोस्त हुमैरा नास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, इतना ठंडा अस्सलाम वालेकुम, लग रहा है कि आज बिल्कुल एनर्जी जीरो हो चुकी है। पहले मैं सोच रही थी कि चाइनीज म्यूजिक कैसा होता है। चाइनीज क्या मतलब, बताइए बताइए। ये तो बैंड को आज आपने, हमारे बैंड को आज आपने वो चीपा ची चिपा चिपा नहीं, चिप 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 चिप। आज हम चिप चिप पे बात कर रहे हैं। बहुत चिपचिपाहट होती है बहुत सारे लोगों को, गर्दन के पास, चेहरे पे, क्या हाल है उसका? क्या बता रही है वैसे आज आप? बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो मैं बता दूं, जब हम शावर लेके निकलते हैं, जाहिर सी बात है हम फ्रेश होने के लिए निकलते हैं कि शावर लिया तो बाद में भी फ्रेश फ्रेश फील हुआ जाए, तो उसके लिए ये है कि जब हम शावर प्रॉपर ले लेते हैं तो बकेट के अंदर आप दो, या तो आप विनेगर टेबल स्पून ऐड करके शावर ले लें एंड में बिल्कुल, या फिर एक बड़ा लेमन स्क्वीज करके उस पानी से आप बकेट अच्छा, वाला पानी वो अपने ऊपर डाल दें, ताकि आपके पास दोबारा, आपको पता है कितने महंगे हो गए लेमन महंगे, इसलिए मैंने विनेगर का ऑप्शन दे दिया, वाइट विनेगर आप डाल सकते हैं उसमें, एप्पल साइडर सिरका, कुछ भी, कोई सा भी सिरका, किसी किस्म का भी विनेगर आपके पास होना चाहिए। एंड देन अभी मैं एक मास्क बना रही हूँ,
जो कि क्योंकि हमारे यहाँ समंदर है, अक्सर लोग समंदर पे सी साइड पे जाते हैं, पिकनिक करते हैं, वापसी आते हैं, तो सन टैन हो जाता है और बहुत ज्यादा स्टिकी फील हो रहा था। और मेरा बहुत सारे लोग हैं जो कि सी साइड के पास रहते हैं, बिल्कुल रह रहे होते और उनको तो ये उनके डेली का प्रॉब्लम है, उनका डेली का प्रॉब्लम है ये। हमने लेना है सिंपल, अगर आप सी साइड से वापसी पर भी आ जाते हैं तो आपने लेना है बेसन 1 टेबल स्पून के करीब, उसके बाद आपने टर्मरिक यानी हल्दी लेनी है, पिंच आपने डालनी है इसके अंदर, आपने लेमन जूस लेना है तकरीबन 1 टीस्पून, और आपने योगर्ट लेना है इसको पेस्ट बनाने के लिए, वो भी तकरीबन इतना ही जाएगा। ये आपने पेस्ट बना लेना है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी, क्रीम टाइप का पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने फेस पे इसको अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ये अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन मिनट के करीब इसका जो है मसाज करना है फेस के ऊपर, और मसाज तकरीबन आपने 1 मिनट करना है, और फिर इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन 20 मिनट अप्लाई रहेगा, और उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर दीजिए। यहाँ मैं आपको टिश्यू पेपर से वाइप आउट करके दिखा रही हूँ, आपकी स्किन फ्रेश फील करेगी और टैन स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम यहाँ एलोवेरा, अगर आपके पास नहीं है तो घर में एलोवेरा को ग्रो करना शुरू कर दें। एलोवेरा जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हम जब भी बाहर निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कोई अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें, तो आपको सन ब्लॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फेस स्टिकी करता है, आपकी बॉडी स्टिकी करती है, आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। इस बॉटल में मैंने हाफ से तकरीबन 1/4 जो है वो रोज़ वाटर लिया है। उसके अलावा मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 लेमन ले लीजिए इसके अंदर, आपने इसको स्क्वीज कर लीजिए। इसके अलावा मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा जेल थोड़ा सा, और ये क्यूकेम्बर का जूस है, ये आपने इस बॉटल में भर लेना है क्यूकेम्बर का जूस, जितना आपके पास अवेलेबल हो आप इसको डाल लीजिए। मैं भी थोड़ा सा दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इस बॉटल को शेक करना है, और उसके बाद आपने स्प्रे करना है, चाहे आप फुल बॉडी पे करें, आप फेस पे करें, आपने स्प्रे करना है, और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने बाहर निकल जाना है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सन टैन से बचाएगा। अच्छा, एक और मास्क मैं यहाँ बता रही हूँ, जो कि आपका जो है मुल्तानी मिट्टी का मास्क है। यह आपके फेस के कलर को भी ठीक करेगा, आपके स्किन को टाइट भी रखेगा, आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज भी हो जाएंगे। मेरा कुछ लोग उनकी बहुत ही एक्नी प्रोन स्किन होती है जी, मतलब चेहरे पे हर वक्त एक्नी होती है, मतलब वो चेहरा क्लियर भी हो जाए तो हल्के से वो जो स्ट्रेस बम्प्स नहीं आ जाते कि कहीं कहीं से खुरदरा खुरदरा सी स्किन रहती है। कुछ लोग कहते हैं उनको बहुत इचिंग की शिकायत रहती है, कभी ड्राइनेस की वजह से, कभी ज़्यादा ऑयली होने की वजह से। ये क्या, ये जो मास्क आप बता रही हैं इसके सारे प्रोडक्ट्स हर तरह की स्किन को यूज़, मतलब सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको जो बता रही हूँ, ये ड्राई स्किन वाला भी यूज़ कर सकता है, जो ऑयली स्किन है वो वाला भी यूज़ कर सकता है। और अब मैं इसका तरीक़ेकार बता रही हूँ, सिंपल दो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। आपके पास मुल्तानी मिट्टी बहुत ईजीली और बहुत सस्ती अवेलेबल होती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मुल्तानी मिट्टी लेनी है इसमें, और आपने इसमें लेना है सिंपल दही, ये आपका पेस्ट बनेगा दही के साथ, और इस पेस्ट को आपने फेस पे लगा लेना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए, ये मड होती है बेसिकली, जितनी भी आपकी ग्रीसी आपका फेस के ऊपर जितना भी सीबम की एक्सक्रीशन हो रही है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ टाइम के लिए आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। इसको भी मैं लगा के बता देती हूँ कि आपने किस तरह लगाना है, पूरे फेस पे अपवर्ड मूवमेंट में आपने ये मास्क लगाना है, और इसको कोई मसाज नहीं करना है, ये सिर्फ लगा के 20 मिनट्स के बाद वाइप आउट कर देना है। वॉश नहीं करना? नहीं, इसको वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मसाज आगे का कुछ और टोनर वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली इसमें फेशियल स्पंज यूज होते हैं, ठीक है, तो आप फेशियल स्पंज से रिमूव करके उसके बाद टोनर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कह रही है कि पानी ना लगाए,
पानी पानी जरूरी नहीं है, लगा लें, कोई ऐसा वो नहीं है, वॉश भी कर लें। लगा रहे तो बेहतर है। लगाने के बाद आप जब इसको वाइप आउट करेंगे ना, तो इस पे टोनर अप्लाई करें तो आपका वो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब हम एक क्रीम बता रहे हैं जो कि मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आपने सिंपल लेना है एलोवेरा जेल, बल्कि इसी में मैं बोल है, इसमें एलोवेरा जेल हमारे पास, ये मैं फ्रेश निकाला हुआ है मैंने। इस एलोवेरा जेल में हमने कोकोनट ऑयल होता है वो सिंपल यहीं आपने पे हूं। मेरा एक छोटी सी आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि बहुत काफी लोग हैं जो कि एलोवेरा उनके घर में लगा हुआ होता है, बिल्कुल, लेकिन उनको पता नहीं इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी कबाहत होती है कि क्या मतलब एलोवेरा को ऐसे ही तोड़ लें, ऐसे ही काट लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सिंपल मैंने गमले में से तोड़ा, उसको मैंने वॉश किया अच्छी तरह। हाँ। वॉश करने के बाद उसके पीस मैं सेंटर में से उसके पीस कर लेती हूँ, और छोटे छोटे जितने पीस करेंगे उसको इजीली यूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो आप एलोवेरा का जो गमला घर में लगा हुआ है उस पे आपने उसको काटा, तो वॉश आपने उसका ग्रीन वाला पोर्शन किया, ग्रीन वाला ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला किया, फिर आपने उसको उतार दिया, उसको उतार के उसको बीच में से सेंटर में से आपने उसकी जेल ही निकाली। हाँ, उसके जेल निकाला, ना भी निकालें, आपके पास छोटे छोटे पीस कर लें, वो हाफ करके बीच में से हाफ करके वो फेस पे आपने अपवर्ड मूवमेंट में ऐसे ऐसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सिंपल अगर आप एलोवेरा भी लगाएंगे तो जो हमारी स्किन सनबर्न हो जाता है वो फौरी तौर पर उसको लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एलोवेरा कौन से लोग नहीं लगाए हैं? एलोवेरा वो लोग नहीं लगाएं जिनको स्किन की एलर्जीज बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, किसी भी किस्म की। अच्छा। अगर आप फेस पे डायरेक्टली एलोवेरा लगाएंगे वो आप फिर डायरेक्ट ना लगाएं, कोई भी चीज़ मिक्स करके आप, और फिर दूसरी चीज़ ये कि पैच टेस्ट ज़रूर कर लें उसका। पैच टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आपकी एलर्जी बढ़ रही है। अच्छा खवातीन, और मैं आपको बता दूँ पैच टेस्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ आप स्किन पे अगर अपने चेहरे पे लगाने का सोच रहे हैं, पहले आप उसको अपने हाथ पे या इधर यहाँ पे लगा के थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी होता है, इधर इधर यहाँ पर पीछे कान के पीछे थोड़ा, कान सा के पीछे तो मम्मी थप्पड़ मार दी वो जोर से लगाने वाला नहीं है ना, ये हल्का सा थप्पड़ है। पैच टेस्ट का खबरती नजर बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको चेहरे पे अप्लाई करनी है ना, वो आपने हल्का सा पैच है अपनी स्किन पे यहाँ लगा के करना है या यहाँ लगा के करना है। अगर आपको इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, स्किन लाल हो रही है या एकदम से फूल सी गई है, तो वो आपको चेहरे पे चीज़ नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो कोई क्रीम हो, सरम हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारा काफ़ी लोग कहते हैं कि जो एलोवेरा है उनका वो येलो कलर का निकल रहा होता है जब उसको पील ऑफ करते हैं, वाइट एग्जैक्टली नहीं है, इसमें क्या करना नहीं चाहिए? वाइट वाला ही यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा में थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें से भी कुछ खासियत ऐसी होती है कि जो आपको नुकसान भी दे सकती हैं। सबसे अच्छा जो एलोवेरा होता है वो ग्रीन वाला ही होता है, जो फ्रेश ग्रीन कलर होता है वही आप यूज़ कीजिए। उसमें से आपका जो पार्ट वाइट वाला है वही यूज़ कीजिए, येलो वाला आप यूज़ नहीं कीजिए, येलो वाला यूज़ नहीं कीजिए। अगर किसी कोई अपना एलोवेरा घर से निकाल रहे हैं, उसको छील के देख रहे हैं, और अगर वो येलो टिंटेड है तो उसको यूज़ मत कीजिए, उसको दोबारा से आप जो आपकी मिट्टी है, जो गमला है, उसमें दोबारा से लगा दीजिए, वो पौधे के लिए और अच्छा होता है। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा, हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, हम चेहरे के मास्क बना रहे हैं। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। से अच्छी गाप से गुड़िया, जीम से जापानी, ये आपके लिए बजाया उन्होंने। आप जब भी आती हैं हमारे बैंड का मूड अच्छा हो जाता है, ये बात तो है, माहौल अच्छा कर देती हूं मैं। जब ये बात शेफ मुनीसा को पता चलेगी तो उनके दिल पे कितनी छुरियां चलेंगी, ये सोच के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स शेफ मुनीसा हमारे शो की शान है। अच्छा सॉरी, हमारा मास्क के बीच में रह गया। हाँ, एक क्रीम मैंने बनाई है, ये क्रीम ऐसी है कि इसमें आपने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, और उसके साथ ही 1 टीस्पून आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है, और उसको इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये क्रीम फॉर्म हो जाएगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं इसको बीट करती रहती। ये आपने नाइट क्रीम के तौर पर अप्लाई करना है फेस पे, आप रात को लगाएं, अगर चिपचिपाहट फील हो रही है तो टिश्यू से ऐसे 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 टैप करके सो जाएं, सुबह उठ के वॉश करें, आपकी स्किन पे देखेंगे आपके रिंकल्स जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे इससे। ये और ये लगा के सो जाएं रात को? हाँ हाँ, ये लगा के सो जाएं, कोई इशू नहीं है। okay. और इससे ये बहुत अच्छा क्लेंजर भी है, अगर आप मेकअप रिमूव करना चाहते हैं तो इसको लगा के आप इससे मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। दूसरा मैं पीने के लिए बता रही हूँ, ये आपका क्यूकेम्बर जूस है, इसमें आपने सिंपल लेमन जूस ऐड करना है, चाहें तो मीठा डाल सकते हैं इसमें कुछ भी, आप आपका जो चिल चाहे, शहद डालें, आप गुड़ डालें, आप चीनी डालें, कुछ भी डालें और ऐड करके आप ये पी लें, सिंपल।
या आपने पीना है, पीने से क्या होगा, बेसिकली हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जितना पानी पियेंगे यानी हमने बॉडी को डिटॉक्स करना है, जितनी डिटॉक्सिफिकेशन होगी आप देखेंगे आपकी स्किन हेल्दी होगी, आप खुद अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। क्या आपकी ये जो ड्रॉजीनेस, क्योंकि इस सीज़न में जो पानी की कमी होती है उससे आपके पैरों में दर्द होता है और ड्रॉजीनेस ज़्यादा होती है आपके अंदर, जो थकावट फील करते हैं, तो कोशिश करें जितने भी जूसेज हैं आप घर में बनाएं और जूसेज लें और फल, हाँ, और कम खाएं, थोड़ा सा कम खाएं, ज़्यादा जिए। देखिए खाना अगर हम बैलेंस डाइट किसी भी मामले में लें तो वो आप देखिएगा कि आप अपने आप को कम, जितने हम रोज़े रखते हैं, जब रोज़े रखते थे तो रोज़े में हम अपने आप को ज़्यादा एक्टिव फील करते थे, अब जब खाना खा लेते थे तो ऐसा लगता था कि बस बेहोश हो जाओ, फूड कोमा लगता था, बस अब कि दोबारा नहीं मिलेगा दोबारा इतना खा लो। ये आपने इतनी अच्छी चीज़ याद रही, जब खाना खा लेते थे रमज़ानों में इफ्तारी के बाद ऐसा लगता था जैसे बस यही ज़िंदगी है, वही ना, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। और हम लोग हमेशा दिमाग में ये रखते हैं खवातीन और जात कि आप अच्छा फील कैसे करें, तो आज रात 8 बजे आप टीवी ऑन की स्क्रीन पर देखेंगे ससुरालीज, जिसको डायरेक्ट किया है जुल्फिकार अली ने, इसके प्रोड्यूसर है नवीद बलक किया, और कास्ट में है फैसल काजी, हिना दिलपजीर, सबा फैसल, और इस एपिसोड में एंट्री हो रही है पाकिस्तान की कॉमेडी क्वीन की, जी हाँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार ज़ेबा शहनाज इस एपिसोड में एंट्री कर रही हैं एज फरखंदा। तो चलिए चल के ससुरालीज का प्रोमो देखते हैं। भाभी जी, तुम्हारा शावर कंप्लीट हो गया हो तो चलो हमारे इस्तकबाल की कोई तैयारी करो, सामान ले जा शबाना के कमरे में रख और शबाना से बोल अपना कहीं इंतजाम कर ले। और मैनू ऐ दसो के बाजी जी नू आउट किस तरह करना है। बंद कर ये खटपट और मेरी बात सुनो, हमारे घर में तो सिर्फ दाल और ग्रीन टी है, तुसी दसो की खाना है। जहर। जहर भी है? वो फरखंदा, खवातीन रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और अभी हमने जाने से पहले आपको एक बड़ी जबरदस्त ब्रेक से पहले एक बड़ी अच्छी रेसिपी बता रहे थे स्किन की और डिटॉक्स की। हुमैरा जल्दी से रेसिपी दोबारा बता दीजिए। बहुत सारी रेसिपी नहीं, ड्रिंक की ड्रिंक की रेसिपी ये है कि क्यूकम्बर का आपने जूस लिया है, तकरीबन इसमें 2 क्यूकम्बर हैं, और अगर आप पानी इसमें शामिल करें इतना डालें कि वो ब्लेंड हो जाए, उसके अंदर आपने 1 लेमन जो है वो स्क्वीज कर लेना है, मीठा मैंने कहा आप अपने लिहाज से जो आपने डालना है वो उस पर ऐड करके आपने ये जूस जो है वो एज अ एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर लेना है कि ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाए और आप जो हैं अपने आप को फ्रेश फील करें। ये खाने से पहले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपका खाना कम हो जाएगा, पेट में आपके खाना कम जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है खवातीन हज़रात, ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेहरा, आप जब भी आती हैं हमें कुछ अच्छा बता के जाती हैं और ज़िंदगी हमारी और हमारी ऑडियंस की बेहतर करती हैं। लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है हमारे कॉमेडी सेगमेंट का, जो कि है किचन क्वीन। तो चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और ये कैंचियां ले लेंगे ना मुझे मारने जाए थे, तो अच्छा ऑनियर आ गया। अब क्या बात है ऑनियर करी, अच्छा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये गीला कचरा है जो कि हम गीले कचरे के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे इसको, और इससे इसमें है क्या क्या ये तो बताइए। इसमें जो है हमारे पास ये खीरे के छिलके हैं, तमाम सब्जियों के छिलके हैं, जिसमें प्याज का कचरा है, गाजर का कचरा है, शिमला मिर्च का कचरा है, तो ये तमाम जो है आपने जो है इससे आप जो है वो बड़ी अच्छी सी खाद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो आप अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप सेल भी कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ है आजकल इंटरनेट के ऊपर, आपको पता है ऑनलाइन तो हर चीज़ ही बिक रही है आजकल, तो आप इसको ऑफकोर्स ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के नाम से आप इसको डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बड़े मजे की बताता चलूँ कि अगर आप गीला कचरा, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आप ये 3 डस्टबिन का काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गीला कचरा या इस तरह की चीज़ों में क्या किस तरह मैनेज करें, तो बस एक चीज़ याद रखें, किचन का जितना भी कचरा है जिसमें बस कागज़ और शीशा इन्वॉल्व ना, उसको फौरन ही अपने घर के गार्डन में दफन करें। हाँ। आपकी घर की गार्डन की मिट्टी को बेइंतहा फ़ायदा होगा उससे। दूसरी चीज़, घर में अपने सब्जियां पौधे ज़रूर लगाएं, सब्जियां लगाएं, फल लगाएं, सो इम्पॉर्टेंट। और एक और मज़े की बात बताती हूँ कि इस ही कचरे से, गीले वेजिटेबल का जो कचरा होता है उससे आप वेजिटेबल स्टॉक बना के भी रख सकते हैं। वो क्या होता है?
जैसे चिकन स्टॉक होता है, चिकन की यखनी होती है, जी जी। इसी तरह वेजिटेबल स्टॉक भी बना सकते हैं। तो आप यही जो सब्जी को पहले आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें, उसके बाद आपने उसको पील करना है। उसके बाद जब आपने उसकी जो पील्स हैं, आप उससे जो है उसको पानी के साथ खूब पका लें। उसके अंदर आप थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दें, साबुत, ठीक है। और उसको इतना पकाएं कि वो सारी सब्जियों का जो वो अर्क है उस पानी में आ जाए, तो वो समझे आपका वेजिटेबल स्टॉक बन जाए। छिलके पका लें, छिलके, यस, हर सब्जी के छिलका पका लें। जैसे शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च के तो बीच में से वो निकलता है, सीड्स होते हैं ना, वो पका लें, वो भी पका लें आप। जैसे खीरे, वो खीरे का छिलका हो गया, गाजर का छिलका हो गया, सबको एक जगह करके गर्म पानी में उबाल लें, उबाल लें, तो वो आपका वेजिटेबल स्टॉक बन जाएगा। उससे आप वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, या आप उसको डिफरेंट सूप्स में भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और आप उसको एज अ क्यूब फॉर्म में भी रख सकते हैं। आप कोई सालन बना रहे हैं, उसमें आपने ऐड कर दिए, तो वो जो उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारी मॉर्निंग स्टार की 5 महीने की माशाल्लाह हिस्ट्री में आज पहली बार शेबुनिजा ने काम की बात की है। यस, तालियां, ये बात शेबुनिजा, आज तो आपका मैं फैन हूं। जो पिछले 5 महीने से जो इतना सिखा रही थी वो कुछ नहीं था, नहीं, वो तो होता। आज हम क्या पका रहे हैं? अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू सिंगापुरियन राइस। सिंग क्या? सॉरी, दोबारा क्या? बारबेक्यू सिंगापुरियन राइस। आप मेरे जैकेट से इतनी इंप्रेस हो गई कि आपने आज का मेन्यू चेंज कर दिया। हाँ, बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक चाइनीज ड्रैगन्स का पहन लिया कि आप बिल्कुल ही अब सिंगापुरियन राइस बनेगी सिर्फ जैकेट की वजह से। देखिए, उस दिन जैसे हम चाइनीज बनाए थे, मैं चाइनीज वार्डरोब टाइप पहन के कपड़े आ गई थी। चाइनीज वार्डरोब आपने पहनी थी जब आप खट्टी दाल बना रही थी। खट्टी दाल बना जी, अच्छा, किमोनो जो पहन के आई थी ना। हाँ, नहीं वो बाबी, हाँ, लेकिन मैंने बनाया वो था, नहीं मैंने पास्ता बनाया था उस दिन। हाँ, और जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने बाबी वो सिंगापुरियन राइस बनाया था, है ना। हाँ, तो आज हम सिंगापुरियन राइस, आज आपने मेरी चीटिंग करी है। दैट क्या, मैंने क्या चीटिंग की? उस दिन मैं पहन के आई थी, आज मुझे आप रेसिपी बताती है पहले कि आप क्या पका रही है, मुझे तो यहाँ पे आके पता चलता है। चलो, हाँ, किसी भी तरीके से हो गई ना। हाँ, हाँ, चलिए, तो आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जिसके लिए आपको चाहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको देखिए, अगर इफ आई एम रॉन्ग, आपको चाहिए 1 किलो जूलियन कटी हुई चिकन, क्यूब्स कटी हुई चिकन, क्यूब्स कटी हुई चिकन, ठीक है। उसके साथ साथ गरम मसाला, जीरा, अदरक लहसुन का पाउडर, पेस्ट कुटी हुई लाल मिर्च, चिली सॉस, टोमेटो केचप, हल्दी, कॉर्नफ्लावर, ये चिकन पाउडर है, नमक, और ये लाल मिर्च, सिंपल लाल मिर्च है वो, सिंपल लाल मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, क्रीम, मेयोनीज, मैदा, ये कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर को उर्दू में क्या कहते हैं? कॉर्नफ्लावर को उर्दू में अरारोट का आटा, मकई का आटा, अरारोट का आटा। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट होती थी अजीनोमोटो, वो बैन हो गया था। वो बैन है हमारी कंट्री में, लेकिन बाहर लोग बहुत डालते हैं बाहर, क्योंकि वो एक उमामी फ्लेवर है। एक्चुअली इट्स नॉट, ये कोई फ्लेवर नहीं, जैसे हमारी सब्जियों के या चिकन के एक फ्लेवर होता है, वो एक उमामी फ्लेवर है जो कि इंसानों ने क्रिएट किया है, ठीक है। और वो ऐसा फ्लेवर है कि वो आपकी ज़बान पे रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स ओनर या जितने भी होटल्स हैं या बाहर कमर्शियली जो भी आपको खाना मिलता है उसमें वो ऐड करते हैं, ताकि आपको वो खाने का मज़ा, कहते हैं ना, जब आप वही सेम चीज़ घर में बनाते हैं लेकिन वो फ्लेवर स्टे नहीं करता आपकी ज़बान पे, और आप बाहर जब भी खाएंगे वो फ्लेवर स्टे करता है। वो किसी भी खाने में डाल देते हैं, वो किसी भी खाने में डाल देते हैं, निहारी में भी डाल सकते हैं, निहारी में, बिरयानी में, इवन हमारे यहाँ जो है वो बिरयानी कहने को बैन है। लेकिन वो बैन किया क्यों, उसकी वजह क्या थी? उसका, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के हवाले से ठीक नहीं है। हाँ, अजीनोमोटो, वो कहते हैं हमारे ब्लड को थिन करता है, इसके अलावा और भी डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में जाके, ठीक है। आपने उस वक्त खा ली तो फौरन तो आप बीमार नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप वो खाते रहते हैं तो आप देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनली बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा होता है, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिफरेंट तरीके से वो जो है इफेक्ट करते हैं। जब भी आप देखिए, कैंसर की बीमारी कितनी आम हो चुकी है इस वक्त, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी किसी को भी ना हो, मैं कहती हूँ, ठीक है। तो वो ये रीज़न होता है कि हमें नहीं पता लेकिन हम खा रहे हैं। कोई किसी भी तरह की बीमारी, खास करके दिमागी बीमारी, अल्लाह करे, अल्लाह मियां सबको दिमागी अमराज से महफूज रखे, आमीन, ठीक है। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और आज का मेरा सवाल असपर से, सिंगापुरियन राइस को सिंगापुरियन राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिंगापुर में इजाद हुई थी और वहीं खाई जाती है। ये आपने तुक्का मारा है। तो और क्यों कहेंगे? ऑफ कोर्स बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स, जी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुल्तानी मिट्टी को मुल्तानी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मुल्तान से आती है। लेकिन सिंगापुरियन राइस जो, अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये कहाँ पे क्रिएट हुई है ये रेसिपी? सिंगापुरियन राइस, हाँ, सिंगापुर में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप मुझे 3 बेस्ट जवाब दें, मैं उनमें से पिक करूंगा। अच्छा,
सिंगापुरियन राइस कराची में ईजाद हुआ है, ठीक है, सिंगापुर में ईजाद हुआ है या इंडिया में ईजाद हुआ है? चल, कराची सिंगापुर या इंडिया? हाँ इंडिया। नहीं, ये कराची में ईजाद हुआ है और सिंगापुरियन राइस कोई सिंगापुरियन क्यूजीन नहीं है, ये सिर्फ इसका नाम यहाँ पे रख दिया गया एक कोई केटरर से जो जिनको रेसिपी क्रिएट करनी थी, तो उन्होंने सिंपली जो है वो राइस लिए और चिकन और वेजिटेबल की ग्रेवी ली और उसमें जो है उसका नाम उन्होंने सिंगापुरियन राइस रख दिया, जो कि ना तो सिंगापुरियन से बिलोंग करता है ना सिंगापुरियन की कोई डिश है, तो ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे आप सिर्फ नाम की शेफ हैं। शेफ ने मजाक कर रहा, प्लीज सीरियस नहीं होने का, सीरियस नहीं होने का। अच्छा नहीं, ऐसी बातें तो मैं सुनती ही नहीं हूँ ना, मेरी मेरी हेल्थ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस बातों से। ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी फजूल बातें कर रहा हो आप को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल फर्क नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, उनको कहने दे, आप यहाँ से, बल्कि यहाँ से सुने भी नहीं, अंदर तो जाने ही नहीं दे, यहाँ से यही रिटर्न हो गया वो। अच्छा शेफुनी जी, हमने से अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, हाँ, उसके अंदर हमने कटी हुई जो चिकन क्यूब्स वो डाल दी, हाँ चिकन जो है वो हमने 500 ग्राम वो डाल दी इसके अंदर, ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट को थोड़ा सा आपने गोल्डन करना है, खुशबू आ जाए, उसके बाद आपने जो है वो चिकन को ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर हम जो है ना मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, काली मिर्च जाएगी, सफ़ेद मिर्च जाएगी, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप जाएगा और नमक जाएगा, हसबे जाएगा और चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसको कॉर्न स्टार्च से थोड़ा थिक करेंगे। वेजिटेबल्स जो है हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, स्टर फ्राई करा बस, फ्लेम बस, क्योंकि सब्जियों को जो है हमने बहुत ज़्यादा हम लोग पका देते हैं, तो हमने उनको पकाना नहीं है, उनका क्रंच, उनका फ्लेवर इन्जॉय करना है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में फाइबर होता है, वो लाजिम लीजिए, जो कि असफर बिल्कुल भी नहीं लेते। नहीं, नहीं, मैं खाता हूँ फाइबर। खाते हैं? बिल्कुल मैं फाइबर खाता हूँ। मैं अभी इस्तांबुल गया हुआ था और मैंने मेड अ पॉइंट, क्योंकि इस्तांबुल में बहुत सारे लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, हाँ। तो मेरा एक छोटा सा ट्रिप था, बट मैं वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ज़्यादातर फल सब्ज़ी खाता रहूँ, और आपको पता है सब्जियों की इतने मज़े की डिशेज वो लोग बनाते हैं, तो ये भी बात होती है ना। अच्छा, क्रिएटिविटी की भी तो बात है। बोलो, कबाब्स में भी सब्जियाँ ऐड करते हैं, कैप्सिकम, जैसे शबनी साहब, फलाफल होता है, फलाफल एक अरबी डिश से बनता है, एग्जैक्टली, इसमें कोई गोश्त नहीं होता, नहीं होता। इतने मजे का होता है, क्रिस्पी होता है, हाँ। तो ये तो बात है, हम लोग के कॉन्सेप्ट ये है कि चिकन है तो ही अच्छा है वरना अच्छा नहीं है, ये है ना, हम लोग के दिमाग में फंस गई है ये बात, क्यों फंस गई है? सब्जी से अब देखिए हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई आपको, वेजिटेबल पराठा बताया यहाँ पे, कितना मजे का था, खिचड़ी बताया आपको, एक वीक जो हमने सब्जी वाला बनाया था, सब्जी अंदाज याद है आपको वो हफ्ता, दिल पे लिखा हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शबनी साहब, आपको पता है टर्की में हॉर्स भी खाते हैं, घोड़े के कबाब खाते हैं, अगर पता ना हो तो आप खा सकते। शबनी साहब, हमारी एक कॉलर है, उनका हुमैरा नाम है, उन्होंने फरमाइश की थी कि हॉट पॉट शबनी साहब कब बनाएंगे, हॉट पॉट, जी जो सी फूड का हॉट पॉट, हाँ, हॉट पॉट के लिए हमें चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ेंगी, इंशाल्लाह वो भी बनाना बताएंगे। बट व्हाट इज हॉट पॉट बेसिकली? देखिए हॉट पॉट में ये होता है कि चिकन स्टॉक होता है उसके अंदर, ठीक है, आपको डिफरेंट चीज़ों से सर्व कर दी जाती हैं, आपने वो साथ में डिप करते हुए आप खा रहे, उसको सूप की तरह क्रिएट कर लिया आपने, इसी तरीके से होता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, लेकिन अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो होता है वो चिकन स्टॉक होता है। अच्छा शबनी, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ, मैं सोचता रहा कि मैं आपको ये बात बताऊँगा लेकिन फिर दिमाग से निकल गई। आपको पता है कराची में बहुत सालों पहले, आई थिंक तकरीबन सन 99 में या 2000 में, डिफेंस में एक रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था जैन, वहाँ पे आपको पता है सारा ये रॉ मटेरियल रखा होता था, कच्चा खाना, वो आपको खुद वहाँ पकाना होता था, खाना होता था, मतलब मेरा नहीं हुआ कभी, सारी मीट होती थी वहाँ पे। मुझे पहला जो मेरा ब्रश विद कुकिंग था वो वहाँ था, कि प्लेट लेते थे, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने खुद डाली, प्रॉन डाल दिए, उसका मसाला डाला, स्पेगेटी डाली, फिर आपने खुद कुक किया उसको। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो जाता होगा। कैसा था मतलब उसका फ्लेवर्स वगैरह? मैं तो जो पकाता था वो तो बहुत ही बुरा बहुत ही बुरा होता था। देखिए, लेकिन ये बहुत अच्छा बन रहा है, ब्रेक का वक्त है, शेफ मुझे आज आप ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, इस वक्त बन रहा है ये वाला ब्रेक नहीं कह रहा मैं, शो से ब्रेक लीजिए, सॉरी यही वाला ब्रेक कह रहा था, प्लीज ब्रेक लीजिए। इस वक्त बन रहा है सिंगापुरियन बारबेक्यू राइस, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, हमारे साथ रहना है अभी हमारे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक बहुत ही पुरकशिश सुबह लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का बड़ा ही धुआंधार शो चल रहा है क्योंकि किचन में बहुत धुआं उठ रहा है फ्राइंग पैन से, क्योंकि हमारी सिंगापुरियन राइस तैयार हो रही है। राइट शेफ मुनीसा, कहाँ तक पहुँची वैसे? बस ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है? यस। ज़बरदस्त खवातीन हज़रात, सुबह मुझे लगता है चाय के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसी खवातीन हैं जो कि इस वक्त दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही होंगी। और एक सेगमेंट जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं वो होता है मेकअप का सेगमेंट, कि हमें एक अच्छी चीज़ जो सीखने को मिलती है वो ये है कि ऑफिस जाने के लिए किस तरह तैयार हो। और उसके लिए हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, एक शानदार मेकअप आर्टिस्ट और क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, सोफिया आरिफ ने हमें जॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे आप सोफिया? गुड मॉर्निंग। बहुत कम लोग सुबह सुबह इतने चाको चौबंद होते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक्चुअली ऑफिस लुक में ये होता है कि यूजुअली आप इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते, सो दो तीन ऐसी लुक्स टिप्स हैं जो मैं बताऊंगी तो जिससे आपकी एक ओवरऑल लुक पूरी कंप्लीट हो जाती है एंड यू आर यू नो रेडी टू गो। जबरदस्त, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप कौन से शेड्स दे रही हैं? ये मैं एक्चुअली इनको अभी सिर्फ इनके जो लिड है उनको हल्का सा हाईलाइट करूंगी, क्योंकि ज़्यादा करना नहीं होता, इवन आई शेडो भी इतना ज़्यादा नहीं लगाना होता, बिकॉज वो फिर बहुत थोड़ी देर बाद यू नो इट स्टार्ट्स, वो हमारा ह्यूमिड वेदर है, मेल्टिंग स्वेट से वो थोड़ी देर बाद मेकअप जो है पिघलना शुरू हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स यू वुड नॉट वांट दैट इन योर ऑफिस वर्क। एग्जैक्टली, सो लिटिल नेचुरल लाइक यू नो डूई डूई नो मेकअप लुक का। देखिए तुम्हें एक बात बताएं सोफिया, बहुत सारी खवातीन है जो थोड़ा सा ना मैट मेकअप प्रेफर करती हैं कि बिल्कुल ड्राई सा रहे, और कुछ हैं जिनको थोड़ा सा ग्लॉसी चाहिए होता है कि चेहरे पे थोड़ी शाइन रहे, चमक रहे। शाइन इज ड्यूरिंग द नाइट, यू नो एट नाइट यू कैन डू दैट, बट ड्यूरिंग डे एंड स्पेशली इन दिस वेदर तो वो शाइन के बाद एंड स्वेट तो इट विल लुक लाइक ऑयली अनटाइडी, ये भी लग सकता है। अच्छा अभी हम इनका मैट, आई वुड से ग्रीसी लगे, अभी हम इनका मैट लुक कर रहे हैं। यप यप, ओके चलो। विद द नाइस न्यूड लिप्स, ठीक है, लाइट बेस and a little bit of contouring, little bit of contour, contouring, oh, okay, because her face is a little you know roundish and so is what I have to. जी सोफिया, आप कौन से शेड्स इस्तेमाल कर रही हैं? जी मैं इनको अभी ब्राउन से इनका सॉकेट बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हल्का सा सॉकेट बनाऊंगी, ज्यादा हैवी सॉकेट मैं नहीं बना रही। अच्छा, और सॉकेट सही बनाने का तरीका क्या है वो तो बताइए। इस तरह के ब्रश होते हैं और आपके जो है ना मेकअप में ब्रशेस बहुत काउंट होते हैं जी। यूजुअली अगर आपका अच्छा ब्रश है तो आप यू नो इजीली ऐसा लगता है कि जस्ट मेकअप इज जस्ट आपका ऐसे स्लिप हो रहा है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब इनको मैंने ज्यादा सॉकेट नहीं बनाना क्योंकि इनकी है आलमंड शेप आईज है। हल्का सा करूंगी, अब सिर्फ हल्का सा मैंने टच दिया तो आप देखें वो, और आपने अपर लिड छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी जी, जी जी बिल्कुल अपर लिड छोड़ दिए। यूजुअली दैट अपर लिड पे लोग ज़्यादातर हाईलाइटर लगाते हैं तो वो मैं नहीं लगाऊंगी कि इट्स अ डे लुक। मुझे तो लगता है ये द मॉर्निंग स्टार करते करते एक दिन आपको पता चलेगा कि मैंने एक बहुत बड़ा एक सैलॉन स्लैश किचन खोल लिया है, क्योंकि शेफ मुनीसा ने मुझे किचन का काम सिखा दिया और जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट आती है उनसे मैं हैं शेफ मुनीसा, सही नहीं कह रहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कंपटीशन हो जाएगा, इतना कंपटीशन। सोचे मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि पहले मुझे शो से पहले इतना ज्यादा पता नहीं था, ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को कितना पता चलता होगा। वैसे मैं देख रही हूँ कि आप मुझे वो टिप्स बता रहे हैं यूजुअली जो लड़कों को इतना नहीं पता, क्योंकि अब मुझे सारी चीज अपने हाथों में पता है। बताएं आपकी फिंगर उंगलियों पे है और माय फिंगर टिप्स। बहुत जल्द आप मुझे किचन सेगमेंट सोलो होस्ट करते हुए देखेंगे। ओहो जी, नहीं शेफ मुनीसा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, आप जानती हैं ये बात तो आपको पता है। हम दोनों मिलके कोई और एक और किचन का अलग से पूरा एक घंटे वाला शो कोई कर लेते हैं साथ में मिलके। अच्छा, आप ऐसा, जैसे है ना देख रहे हैं कि मैंने इनकी दोनों आईज में फॉरन डन कर दी है, इसमें कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, ब्राउन से आई हैव डन इट, सॉकेट भी बना दिया है और हल्का सा इसको हल्का सा एक शिमरी आई शेडो दूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैवी लुक करना ही नहीं चाहती। उसमें जो हीरोइन थी वो बेचारी, हम लोग डायरेक्टर की से पे डिपेंडेंट होते हैं कि डायरेक्टर जो कहता है वो करना पड़ता था, हीरोइन थी बेचारी, उसको दुल्हन का मेकअप डे में किया और लड़की के भागने के शॉट थे, वो जो शिमरी आईज थी ना वो यहाँ तक आ गई थी डेढ़ घंटे में पूरा, क्योंकि ऑफिस में यूजुअली 8 आवर्स होते हैं, समझे ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स होते हैं इन योर एट योर वर्क प्लेस ना,
तो उसमें तो फिर आपको ऐसा ही मेकअप करना है जो स्टे करे एंड जो बिल्कुल इतना ज़्यादा शिमरी ना हो और वो इतना एकदम इंटरमीडिएट ना करे किसी को। अच्छा, ब्राइड्स को वैसे भी इतना ही टाइम का मेकअप चाहिए तो, क्योंकि आजकल डे शूट्स भी हो रहे हैं, फिर उसके बाद इवनिंग में वेडिंग हो गई, फिर वो रुखसती होते होते रात हो जाती है, तो वही पूरा इतना ही आपको समझे 12-24 घंटे का मेकअप होना चाहिए उनका ना, 24 घंटे तक चले उनका मेकअप, क्यों उतरे ही नहीं फिक्स हो जाए। कुछ ऐसी बेसिस हैं जो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाती हैं। अच्छा, और उतरती नहीं है? हाँ, बहुत मुश्किल से उतरते हैं। नहीं, मुश्किल से उतरने का क्या मतलब है? मिट्टी के तेल से उतरते हैं कैसे? रेग माल से? यूजुअली क्या तरीका उतरने का मतलब मुश्किल से बेस उतरने का कैसे क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्या मिट्टी का तेल बेसिकली यूजुअली मैं आई प्रेफर के मेकअप रिमूवर होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ढीट टाइप बेस होती है ना, उसके लिए वैसलीन या कोई भी ग्रीसी ऑयल, कोकोनट ऑयल इज रियली बेस्ट। सही है, वो मेकअप रिमूवर जो होता है उससे थोड़ी स्किन ड्राई भी हो जाती है। वैसे भी चेहरे के लिए बहुत अच्छी चीज है, अच्छी मुझे लगता है। आप तो बहुत ख्याल, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन हो उनकी मुझे लगता है अपनी त्वचा का बहुत ख्याल, त्वचा का। और जिनकी ऑयली स्किन हो वो भी वैसलीन यूज कर सकते हैं। सॉरी, जिनकी ऑयली स्किन हो वो भी वैसलीन यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, एंड देन यू हैव टू वॉश योर फेस, उसमें कोई ऐसा नहीं है, आपने तो सिर्फ साफ करना है ना, क्योंकि वैसलीन जैसे उन्होंने कहा ना मिट्टी का तेल, तो वो इससे अच्छे से साफ हो जाएगा वैसलीन या कोकोनट ऑयल। और इन केस अगर जाहिर दुल्हन जाती है तो वो वैसलीन नहीं हुआ उसके पास वहाँ पे, फिर वो क्या करे? कहाँ जाती है ससुराल? मिट्टी का तेल दुल्हन कहाँ जाती है ससुराल भाई? जब रुखसत होके जा रही है तो इतना की सोच तो मेरी बात सुन, दुल्हन रुखसत होके ससुराल जा रही है तो ससुराल कहाँ है उसका? कहीं भी अगर शहर में ही होगा तो ले लेगी जाके बाजार से, क्या हो गया? अब आधी रात में वो वैसलीन ढूंढ के ले लेगी, रखी रहे नहीं नहीं मतलब नहीं दुल्हन मिट्टी का तेल यूज करना बस। आज सोफिया ने कह दिया कि दुल्हन मिट्टी का तेल यूज करके मुंह साफ कर सकती है, बात खत्म। लेकिन मुझे सोफिया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आजकल मैं जितनी भी मतलब एक शादी की फोटोज देखता हूँ लोग अपलोड करते हैं, उसके अंदर ज्यादा मेकअप हुआ हुआ ही नहीं होता। ये वैसे आई डोंट नो कि क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मेरा ये मुझे पर्सनली लगता है जो ब्राइड होती है ना उसको She's got 2 days or 3 days, तो उसको बहुत अच्छे से डेक्ट अप होना चाहिए, ग्लैमरस लगना चाहिए, उससे ज्यादा ग्लैमरस जो उसके इर्द गिर्द के लोग लग रहे होते हैं। I agree, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा एक लगे तो तैयारी तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ एक धुई आई शेडो भी लगा दिया है शिमरी, जिससे ना अब वो ज्यादा फैलेगा और ना ही वो उसके कलर्स भी इतने खराब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। शेफ मुनीजा की तरफ चलते हैं। शेफ मुनीजा, अब कहाँ तक पहुंची सिंगापुरियन राइस बताइए। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने क्या किया था कि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने ऑयल लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, साथ ही साथ हमने उसके अंदर चिकन क्यूब्स शामिल कर दिए, यानी चिकन की क्यूब कटी हुई बोटियाँ, ठीक है, आधा किलो, वो हमने उसको जल्दी से सौते करा। उसके अंदर मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून, और जो है सॉरी चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करें, और इसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करा, 1/2 कप मैंने केचप शामिल करा, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डिजॉल्व करा, वो ऐड कर दिया। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें कर दें अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो, ठीक है। हमने इसको मिक्स कर लिया, आप ये देख सकते हैं ये थिक हो चुका है बिल्कुल। अब जो है मैं इसकी फ्लेम बढ़ा दूँगी, तेज़ कर दूँगी बिल्कुल, ठीक है। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये जो सब्जियाँ थी हमारे पास, हमने शिमला मिर्च ले ली थी क्यूब्स कटी हुई, प्याज ले लिया क्यूब कटा हुआ, गाजर आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में काट लीजिए, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं अगर आप करना मतलब आपको पसंद है तो, ठीक है। ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे, हाई फ्लेम पर है ये, और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमें, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना पकाएं जो आप कमर्शियली टेस्ट चाहते हैं, तो वो उसका रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इन सबको हम मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और जो सिंगापुरियन राइस की ग्रेवी है वो तैयार है। और इसको हम कोयले का दम देंगे, यानी कि कोयला हम चूल्हे पे गरम कर लेंगे, उसके बाद इसके बीच में हम कोई भी फॉयल या कोई चीज़ रख के, ब्रेड रख के या फॉयल या प्याज का छिलका रख दीजिए, वो रख के हम इसको ढक देंगे, और उसके कोयले के ऊपर थोड़ा सा जो है ऑयल या घी आप शामिल कर दीजिए, तो इसको बारबेक्यू का फ्लेवर यानी कि स्मोक आ जाएगा, तो बहुत ही कोई डिफरेंट सिंगापुरियन राइस ये लगेगा आपका, ठीक है। तो हम इसको जो है जल्दी से ये मैं इसको कुक कर रही हूँ हाई फ्लेम पे। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे,
वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमने बनाने हैं। और साथ साथ मैंने नूडल्स भी बॉईल कर लिए थे, तो नूडल्स जब भी आप बॉईल करें, पानी में जब बॉईल आ जाए उसके अंदर आपने सिर्फ नमक शामिल करना है। उसके बाद आपने नूडल्स, मैंने हाफ पैकेट लिया है, वो आपने शामिल कर देना है जब पानी में बॉईल आ जाए। जब उसके बाद आप देखें नूडल आपका डन हो चुका है, आपने उसको स्ट्रेन करना है, ठंडे पानी से उसको दोबारा वॉश करना है, उसका हीट ख़त्म कर देनी है आपने। वरना हम यूजुअली क्या करते हैं कि हीट उसके अंदर रहने देते हैं, वो बाद में कुक होता रहता है और वो अजीब से सॉगी से नूडल्स हो जाते हैं उसके, जो मैश हो रहे होते हैं। तो वो उसको बचाने के लिए आपने उसको फ़ौरन जब गर्म पानी से स्ट्रेन करा, आपने ठंडे पानी से वॉश करके उसको ठंडा करा और हाथों में आपने ऑयल लगा लेना है, और नूडल्स को इस तरह हाथों की मदद से आपने इसको ऑयल लगा के रख देना है, तो ये स्टिक नहीं करेंगे आपस में। तो ये एक टिप है नूडल्स को बॉईल करने की। शबुनी सर, स्पेगेटी भी यूज़ करेंगे इसके साथ, नूडल्स करेंगे? स्पेगेटी भी कर सकते हैं आप, नूडल्स भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एग नूडल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके साथ। खवातीन और हज़रात, हमारी सिंगापुरियन राइस तैयार हो चुकी है, यहाँ सोफिया हमारी मॉडल को तैयार कर रही है फॉर द डे लुक। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये देखिए, ये ना हमारे चावलों के साथ देखे, डरने का नहीं किसी से। ये जरबे ना मेरे दिल पे लग रही थी, आपको पता है जरबे? What is that? Talk in English, please, Shabunisa. ये आप क्या कर रही हैं? जो ये टॉस करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो इन्होंने खिचड़ा बना रहे हैं हमारे चावलों को। क्यों खिचड़ा क्यों? मैं तो हमेशा सीधा ना किया। चावलों में इतना चम्मच नहीं चलाते हैं, तो फिर इसको मिक्स कैसे करेंगे? ऑब्वियसली टॉस करके ना। अच्छा, बस टॉस करके? या अल्लाह रहम हमारे क्या मतलब याद है, ये देखें। हाँ, मिक्स करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बस बस बस, हमें बचाने खाने के लिए ना थोड़े सारे ग्रान। ये तो खा सकती हैं, हमारे ही किचन है। हाँ। आप उठा के नहीं खा सकती? खा सकते हैं लेकिन अच्छा जी, हमने आधा काम तो मैंने कर दिया। हाँ, डन हो गया, ये पूरा कर दिया आपने, ठीक है, इसको बिल्कुल पूरा ही कर दिया। अच्छा, हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर हमने तो एक टीस्पून जितना ज़ीरा शामिल करा, और उसके अंदर हमने चिकन क्यूब और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको कुक करा। और राइस हमने पहले से बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद हमने इसके अंदर ये चावल बॉईल किए हुए राइस डाले, और इसको बस हमने टॉस कर लिया और बना लिया, ठीक है। स्पेगेटी, ये सॉरी नूडल्स जो है हमारे बॉईल हुए हैं। अच्छा, जल्दी से जो इसके साथ मेयोनीज़ जो है वो हम सर्व करते हैं, वो बता दूँ उसकी मज़ेदार सी रेसिपी कि जो इसकी टॉपिंग पे जाती है वो बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप जो है मैंने मेयोनीज ले ली है, तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ, और साथ साथ इसके अंदर जाएगा क्रीम, जो एक क्रीमी सा मज़े का टेक्सचर आता है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँ। आपको ये सारा पेस्ट इसमें डाल देना चाहिए? ये सारा इसमें डालना है। चलो ठीक है, एक पैक मैंने यहाँ क्रीम का लिया है, तो उसमें जो है मैं ये पूरा शामिल कर रही हूँ, और बस इन तीनों को हम कांटे की मदद से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं, ऑप्शनल है फ्लेवर के लिए, लेकिन आई थिंक इतना ही इसका फ्लेवर काफ़ी होता है, अच्छा लगता है जो चिली गार्लिक से आता है। तो ये टुकड़ियां बन रही हैं, वो मेयोनीज हल कर देंगे ना, तो हम ये सेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये वैसा हो रहा है, तो इसको क्या हम उससे बीट कर सकते हैं मशीन से? बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें कांटे की मदद से भी आराम से ईजिली ये हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, देखें कितना स्मूथ हो रहा है इस तरह से, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है जब हम इसमें क्रीम और ये सब ऐड करते हैं, तो आप इसकी लेयरिंग में ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चावल हमने बॉईल करते हुए उसमें नमक शामिल कर दिया था, लेकिन क्योंकि आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर रहे हैं, तो आपने नमक थोड़ा सा उस हिसाब से बैलेंस करते हुए रखना है कि वो तेज़ ना हो जाए बाद में। ये देखें, इसमें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, ये है ना, एक्सेलेंट, ठीक है। और अब आप फाइनल डिश तैयार करेंगे? अब हम बिल्कुल इसमें प्लेटिंग करते हैं। शेफ मुनीजा, फाइनल डिश तैयार करिए, और हम जा रहे हैं सोफिया की तरफ। जी सोफिया, फाइनली आइस तो मैंने डन कर दी है, बस मैंने इनको मस्कारा लगाया, अब मैं एक और कोट मस्कारा का लगाऊंगी, बिकॉज मैंने इनको फॉल्स लैशेज नहीं लगाई हैं, क्योंकि सुबह सुबह यूजुअली लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होता फॉल्स लैशेज लगाने का। आई थिंक मस्कारा से एनहांस हो गया, मस्कारा अब बहुत अच्छे अच्छे मस्काराज आ गए हैं, उससे काफ़ी हद तक आपकी लुक आई लैश एनहांस हो जाती है। मैंने ऑलरेडी एक कोट कर दिया हुआ है इनको, ठीक है, उससे ये होता है कि फिर जब सेकंड कोट करेंगे तो इट विल गिव जैसे कि आपने लैशेज ही लगाई हैं।
अच्छा लैशेस का भी ना ये होता है कि मस्कारा यूजुअली लगाने के भी कुछ आदाब होते हैं जी, आदाब होते हैं ऊपर देखें एंड इनकी वैसे थिक लैशेस हैं सो नाउ एज यू कैन सी कि शी डजंट नीड लाइक इसकी लैशेस काफी थिक हो चुकी है जी प्लीज क्लोज अप बनाइएगा मॉडल का सेकंड कोट से वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने लैशेस लगाई हुई है थोड़ा आगे जो डजंट ओवर भी नहीं लग रहा हां नहीं वो बिकॉज़ यू नो लेकिन हल्का सा एक मेटालिक फील है मेकअप का ऑफ कोर्स बिकॉज़ वो थोड़ा सा वो भी तो लुक भी तो दे रहा है ना यू नो बिल्कुल सही बात है अच्छा अब लिपस्टिक आपने नहीं लगाया लिपस्टिक मैं भी लगाऊंगी बिकॉज़ आईज जो है ना वो कर रही हूं पहले और जब आप फर्स्ट कोट लैशेस का लगा लेते हैं तो उसको थोड़ी देर छोड़ दें फिर ड्राई अप होके ना वो फिर सेकंड वाला बहुत अच्छे से बैठता है इतनी प्लेट में चमचे मारने की आवाज आ रही है यहाँ तक पता, जब आप काम करो ना तो पता चलना चाहिए कि आप काम कर रहे हो इतनी आवाजें आ रही है चमचे मारने की टन टन नाउ एज यू कैन सी हर लैशेस जी देखें लग रहा है कि लैशेस लगाई हुई है यू नो काफी एनहांस हो गए आंखें थोड़ी ऊपर करना सो हमने इनकी आई लुक कंप्लीट कर दी है ठीक है तो इन यूजुअली अब जो इन्होंने डार्क कलर का आउटफिट पहना हुआ है तो उसके साथ मैं लिपस्टिक इनको न्यूड ही दूंगी थोड़ी लाइट हाँ लाइट न्यूड लाइट है उससे ये होगा कि अगर डार्क आउटफिट डार्क लिपस्टिक सो इट्स एन ऑफिस वेयर बहुत ओवर हो जाएगा ज्यादा इसमें थोड़ा सा ये बेज एंड पिंक का मिक्स स्ट्रेच ये न्यूड कलर है और ये लुक रेडी है या नहीं इसकी बस अब नोज कंटूरिंग हल्की नोज कंटूरिंग ओके इसको हल्का सा वो कर लो डार्क ये तो बिल्कुल लिपस्टिक ना होने के बराबर है वेरी 70s या थोड़ा 70s टाइप का लुक है ये देन आई एम गोना क्योंकि देखिए ब्लश ऑन नहीं कैसे कौन सा शेड यूज किया है अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे इट्स वेलवेट टेडी ठीक है आप स्माइल करें अच्छा जब हम यूजुअली ब्लश ऑन लगाते हैं तो यू जस्ट हैव स्माइल स्माइल करें तो ये आपके जो चीक्स हैं ना वो ऑलरेडी थोड़े ऊपर हो जाते हैं एंड देन इट्स ईजियर टू फिगर आउट ब्लश ऑन मैं इसको थोड़ा सा इसलिए अभी ये भी लाइट कर दूंगी बिकॉज यू नो पूरा मेकअप न्यूड न्यूड्स है तो चीक्स थोड़े से इनहांस स्माइल सुने सोफिया ये भी तो कर सकते हैं कि अगर ये ब्लश ऑन रहने दें तो ये ऑफकोर्स पूरे दिन में खुद ब खुद लाइट होता रहेगा वरना नहीं वो यूजुअली समटाइम्स ये होता है लाइट तो हो जाता है कभी कभी वो खत्म गायब भी हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड हो अच्छा गायब भी हो जाता है ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसमें उनका कलर टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है सो वो भी देखना होता है पैचेस बन जाते हैं पैचेस बन जाते हैं सो यू हैव टू सी कि कौन सा टाइप का ये क्या है लेकिन ड्यूरिंग द डे सोफिया कौन सा एक जो मेकअप टाइप है जो ड्यूरिंग द डे कर सकते हैं
मतलब इसको मेंटेन करने के लिए? इसको आप बार बार थोड़ी मतलब 2-3 आवर्स बाद डैप कर सकते हैं अपने बेस, अपने फाउंडेशन को थोड़ा रीटच कर सकते हैं, तो उससे एकदम अच्छी सी मैं वही पूछना चाहता हूँ, रीटच में क्या चीज़ें आती है? रीटच इसमें आपका कॉम्पैक्ट है, फेस पाउडर जो होता है, लिपस्टिक है और मस्कारा हल्का जो भी होता है, यू नो दैट इज, ये आपने अभी भी बिल्कुल बेसिक चीजें, हाँ बहुत बेसिक। वैसे यूजुअली बेसिक ऑफिस में होती ही बेसिक चीजें, इतना टाइम नहीं होता ना, सुबह जल्दी से करके निकलना होता है। अच्छा, अगर सोफिया विंटर्स होंगे तो ये लुक थोड़ा सा चेंज होगा? यस डेफिनेटली, विंटर्स में ये है कि आपकी थोड़ी आईज भी डिफरेंट कर सकते हैं और लिपस्टिक भी थोड़ी डार्क हो जाती है विंटर्स में। यूजुअली आपको डार्क कलर्स का, डार्क लिपस्टिक का बहुत मजा आता है, समर्स में ऑटोमेटिकली इतनी गर्मी है वो बहुत ज्यादा फिर हैवी लगना शुरू होता है, या फिर जैसे डार्क तब अच्छा लगता है जब आपने खाली एक डार्क लिपस्टिक लगाई हो और उसके साथ सिर्फ मस्कारा लगाया, नो लाइनर, नो नथिंग, नो आई शेडो, नथिंग। लेकिन कुछ लोगों को एक खप भी तो होता है ना कि सारा मेकअप होगा। हाँ, बहुत लोगों को होता है ना, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने मेकअप इतना लगाया नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है जो जिस तरह खुश हो रहा है उसको वैसे खुश रहना चाहिए। अगर किसी को आजकल की इस मुश्किल जिंदगी में अगर आपको मेकअप करके खुशी मिल रही है तो कीजिए, क्यों नहीं, ये बना ही आपके लिए। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं इनकी थोड़ी सी नोज कॉन्टोरिंग कर दूंगी। लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रेट के लिए? मेरा इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पे भी है, सोफिया आरिफ सैलून के नाम से। सोफिया आरिफ सैलून अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यस, और इट्स लोकेटेड एट राहत कमर्शियल, 36C Lane 2, राहत कमर्शियल पे। ठीक है, एक्सेलेंट। एंड इट्स 7 days a week? यस, ऑलमोस्ट। एंड अपॉइंटमेंट्स पे भी मैं यूजुअली करती हूँ। और ये है कि इंस्टाग्राम इज द इजिएस्ट वे टू कॉन्टैक्ट। या Instagram, you can DM and then you know उस पे आपको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो आपकी प्रॉम्प्ट टीम है जो बरवक्त रिप्लाई करती है। जी, अब मैंने इनको कॉन्टोर पूरे नाक पे यूं नहीं दिया क्योंकि वो ड्यूरिंग द डे लाइट में इतना प्रोमिनेंट लगेगा कि वो बहुत जरा अजीब सा लुक लगेगा, तो मैंने सिर्फ इनकी नॉस्ट्रल्स को हल्का सा दिया। ठीक है, सो दैट यू नो थोड़ा सा लुक इस तरफ आए क्योंकि वो जो एक होता है ना, वो प्रॉपर कॉन्टोरिंग होती है फेस की, दैट्स गोना लुक एक्सेलेंट। तो अभी इनका लुक मुकम्मल हो गया? जी, इनका लुक डे का मुकम्मल हो गया। ठीक है, मैं नाइट में भी आपको जैसे ड्यूरिंग व्हेन यू हैव टू गो समवेयर उसमें ये कि आप इसमें लिपस्टिक डार्क कर सकते हैं, हाइलाइटर ऐड कर दिया एंड यू आर डन। रोमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ यहाँ पे आए और ज़रा आप एक थोड़ा सा चल के अपना पूरा एक मूवमेंट में अपना मेकअप, अपना लुक दिखाएं। या रोमा इज लुकिंग ग्रेट, ये मेकअप रोमा का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेफ मोनिजा से कि प्लीज़ शेफ मोनिजा आप यहाँ एक मिनट यहाँ पे आइएगा क्योंकि सोफिया आपका कुछ मेकअप इन्हेंस करेंगी। सोफिया को सख्त इख्तिलाफ था आपके लुक और मेकअप से, तो प्लीज़ बैठिए, आज ये कुर्सी आपकी हुई और आज हम लाइव शेफ मोनिजा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो खवातीन और हज़रात, शेफ मोनिजा का इस वक्त यहाँ पे एक ऑपरेशन कह रहा हूँ, सॉरी, शेफ मोनिजा की एक ट्रांसफॉर्मेशन, अरे शेफ मोनिजा मुंह से गलत निकल गया, आप कितनी दफा लहसुन अदरक के पेस्ट को घी समझ बैठी है। अच्छा अच्छा, ये आपसे मुकाबला हो रहा है? जी देखिए, मुझसे तो मुकाबला हमेशा शेफ मोनिजा का, ये बहन भाई का रिश्ता होता ही ऐसा है, मुकाबलों से भरपूर। लिपस्टिक देना चाहती हूँ। ठीक है, कैन आई प्लीज? देखे अब आपके पास एक ये एक होता है ना, देखिए अभी तो आपके पास एक ब्लैंक कैनवस था हमारी मॉडल, ये एक खराब हुआ कैनवस, मतलब एक ये दूसरी तरह का कैनवस आपको मिला, अब आप इसको अपने हिसाब से फिक्स कैसे करेंगे क्योंकि देखिए शेफ मोनिजा ने 3 घंटे किचन में बिताए और सुबह से काम कर रही है, तो आपके ख्याल से इन कपड़ों पर इस आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन देंगे? सोफी, डू यू थिंक इनका हेयर स्टाइल सही है या शॉर्ट होना चाहिए ज्यादा या नहीं? इनका हेयर स्टाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हेयर द लेंथ इज फाइन बट बाल बहुत पीछे की तरफ ही होंगे, कुछ ज्यादा पीछे कर, आई थिंक वो तो किचन में पकाने, किचन में क्योंकि वो बार बार फिर हाथ बालों को लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमने टाई करे। लेकिन अगर आप इनको खोल के अगर आप सही करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इट कैन बी डन, यू नो। मुझे वैसे प्रेफर, आई फील कि आपने चाहे लाइट लुक किया हो या थोड़ा हैवी मेकअप, बालों को आपने थोड़े से लूज कर्ल्स दिए हो ना, तो वो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर अगर जैसे ये किया तो इससे जरा लुक
थोड़ा सा इतना वो नहीं आता, यू नो यू कैन जस्ट पिन अप अ लिटिल, थोड़ा सा लूज छोड़ के फिर उसको पिन अप कर। ये बहुत ज्यादा आपने ट्विस्ट करके पीछे की तरफ लेके गई। इसके ऊपर क्या लिपस्टिक्स पे लिपस्टिक्स लगाई है? लग रहा है कि पहले न्यूड थी, उसके ऊपर डार्क किए, ठीक है। और ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते ना स्क्रीन पे, यूजली तुम लगाती हो डार्क, तो फिर आज ही डिफरेंट हो रहा। ख़वातीन और हज़रात, आज तो ये बात प्रूव हो गई है कि ख़वातीन को जब फ्री का ब्यूटी पार्लर मिल जाए तो वो काम धंधा सब भूल जाती है, चलता फिरता काम अपना जो कर रही हो, जिसकी तरफ तवज्जो हो, जिस काम के लिए आए हो, वो गया तेल लेने अपने आप को। देखिए फ्री पार्लर, अगर ब्यूटी पार्लर का आसरा आज हमने आपको लाइव दिखाया कि देखें एक खातून जो यहाँ पर इतनी मुश्किल डिश बना रही थी, उनको सिर्फ इतना कहा कि ज़रा मेकअप सही करवा लो, ये नहीं कि मेकअप नए सिरे से करवाओ, और वो माशाल्लाह वहाँ पहुँच गई। और अब पता नहीं ये सिंगापुरियन राइस थी या ये 12 सिंगापुरियन राइस थी, ये किसकी राइस थी और ये क्यों थी, ये कुछ नहीं पता। और जब उन्हें तो आप ऐसे बैठ गई वहाँ पर कि आप फिक्स हो गई, अब आप आ भी नहीं सकती। देखिए भाई, ख्वातीन होती किस लिए? तैयार होने के लिए उतनी होती हैं, और क्या मतलब है? रात में हमें किचन में झोंक दिया है, झोंक दिया। आजकल के जो मर्द है ना वो भी काफी तैयार होते हैं, बाय द वे। गॉड, आई थिंक तैयार होना चाहिए। आई थिंक दे टेक मोर टाइम देन वुमेन। ये बात तो सच है। नहीं तो मैं जब भी तो कहती हूं आप 2 घंटे पहले आ जाते हैं, फिर आप इतना टाइम कहां लगता है। मैं चाहता हूं कॉलर्स प्लीज कॉल करके शेफ मुनीजा से रिक्वेस्ट करें कि टाइम की किल्लत की वजह से वापस किचन में आ जाए, जिस काम के लिए आपको इतना भारी चेक मिलता है शेफ मुनीजा। ओह फल्ला, इतना भारी होते कि उठाया ही नहीं जाता। वैसे ये मेकअप सोफिया जल्दी से बता दे क्या चेंज किया है। यार मैंने सिर्फ इनकी नाक कॉन्टोर की हुई और इनका लिप कलर चेंज किया, इससे थोड़ा सा इनका लुक एकदम वो हो गया। और आप शेफ मुनीजा का प्लीज क्लोज अप बनाइए कि जो मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन हुई है प्लीज देखें। टारा, कैसे लग रहा है? सॉरी, क्या कह रही है? देखिए अब ये मेरे ऊपर बात नहीं आएगी, मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ इस वक्त सिंगापुरियन राइस के बारे में बात करें। जल्दी से रेसिपी बताएं। सोफिया, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आपने बड़े अच्छे दो लुक्स करके हमें दिखाए। सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो मेकअप करना नहीं, मेकअप को मेंटेन करना बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। लाइट मेकअप हो, आप अच्छी फ्रेश लग रही हो और अच्छा महसूस कर रही हो, इसके लिए सोफिया हमें बार बार अच्छे बने हुए और बाल अच्छे बने और इन सारी चीजों के लिए सोफिया हमें बार बार ज्वाइन करती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सोफिया आरिफ को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और शेफुरी साहब बताइए। अच्छा एक मैं भी एक बहुत भूल गई, देखा सब भूल गई तैयारी के बाद। मैं भी तू भी आपको गाना गा ले शेफुरी साहब, फॉरगेट अबाउट किचन। अच्छा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल से मेरी बहुत जबरदस्ती क्लासेस स्टार्ट हो रही है कराटे की। जी हाँ, कराटे की, जो कि हम अफसर के साथ करेंगे। नहीं जी, हम जो है बेकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 5 साल से लेके 15 साल के बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं कैफे प्ले डेट पे, जो कि DHA में है। तो आप वहाँ अपने बच्चों को इनरोल कर सकते हैं। वहाँ मैं उनको बहुत फनी वे में, फन के साथ हम लोग बेकिंग सीखेंगे और डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे वहाँ पे। प्ले डेट कैफे, हाँ प्ले डेट, प्ले डेट कैफे पे शेफ मुनीजा बेकिंग की क्लासेस दे रही हैं। और एक और बात बताना चाहूंगी, पता आज क्या है? आज एक स्पेशल डे है। क्या? आज मेरी एनिवर्सरी है। जब भी दूल्हा भाई सुबह से रो रहे थे, उन्होंने फोन करके मुझे कहा हेलो असफर, मैंने कहा जी जी क्या हुआ? अरे आप खैरियत से? तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। तो वजह ये थी। हाँ, चलिए आज पता चल गया। बिल्कुल, चले चले मुझे ये हमने देखिए बड़ी खूबसूरत सिंगापुरियन राइस, बारबेक्यू सिंगापुरियन राइस बनाया हमने इसको। ड्यूरिंग द ब्रेक कोयले का स्मोक भी दे दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ग्रेवी डन हो गई थी। जल्दी से रिकैप दे देती हूँ, मैंने क्या किया, ऑयल लिया, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, उसके अंदर मैंने चिकन की क्यूब्स शामिल कर दिए, यानी बोटी, चिकन की बोटी शामिल कर दी 500 ग्राम, उसको हमने कुक करा। उसके बाद हमने इसके अंदर काली मिर्च, सफेद मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप ऐड करा
और चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो उसको हमने मिक्स करा, सौते करा। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करा 2 टेबलस्पून के करीब, उसको मिक्स करा। नमक आपने बहुत ध्यान से शामिल करना है क्योंकि आप चिकन पाउडर भी शामिल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसको पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर डिजोल्व करा, 2 से 3 टेबलस्पून हमारा कॉर्नफ्लावर गया, लेकिन आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, इसकी कितना थिक रखना है, और कॉर्नफ्लावर पर भी वैरी करता है उसकी थिकनेस को, तो इसको एग्जैक्टली आप ऐसे फॉलो नहीं करिएगा, अपने उससे हिसाब से फॉलो करिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये थिक हो गया उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड करी, जिसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च थी, प्याज थी नॉर्मल प्याज, उसको क्यूब्स में कट कर लिया। उसके साथ हमने जो है इसके अंदर शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लिया, गाजर कट कर ली, वो हमने इसके अंदर शामिल करी। 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया और फ्लेम हमने बंद कर दी। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स का जो कलर है वो अपनी जगह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमने पकाया नहीं है, बिल्कुल सारे कलर्स आराम से नज़र आ रहे हैं सब्जियों के। उसके बाद हमने एक पैन के अंदर ऑयल लिया, चावल हमने पहले से बॉईल कर लिए थे नमक शामिल करके, हमने ऑयल लेने के बाद उसके अंदर ज़ीरा शामिल करा, 2 चिकन क्यूब्स ऐड करे, उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके कुक करा, और उसके बाद जो चावल थे, आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं चिकन क्यूब अगर ना हो तो, हाँ आप टेस्ट कीजिए जब तक मैं रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद हमने वो जो चावल बॉईल किए थे वो उसके अंदर शामिल करे, हाई फ्लेम पर उसको टॉस करा, मिक्स करा और फ्लेम बंद कर दी। नूडल्स हमने अलग से बॉईल कर लिए। अच्छा, इसके साथ जो हमने सॉस बनाई थी, मायोनीज 1/2 कप लिया, चिली गार्लिक सॉस 1/2 कप लिया, और एक पूरा पैक हमने क्रीम का ले लिया, कोई भी ब्रांड की क्रीम ले लीजिए, उन सबको हमने मिक्स करा। आप चिली फ्लेक्स डालना चाहें डाल दीजिए इसके फ्लेवर को और स्पाइसी करने के लिए, दैट्स इट। उसके बाद हमने चावल की लेयर दी, साथ हमने जो है वो नूडल्स की लेयर दी, फिर हमने ये जो ग्रेवी बनाया था इसकी लेयर दी, और टॉप पे हमने मायोनीज और ये जो क्रीम का मिक्सचर बनाया था ये सॉस हमने ऐड कर दिया, और हमारा सिंगापुरियन बिल्कुल रेडी है जो कि असफर अकेले अकेले इंजॉय करें। ऑफ इट्स डिलीशियस, बहुत अच्छा बनाया, बेहतरीन, मज़ा आ गया। चलो मैं जय बुनीजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मज़े का आपने खाना बनाया, और हमारी मेरी तरफ से, हमारी मॉर्निंग स्टार की तरफ से, और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कोई हॉरर म्यूजिक नहीं बजाइएगा, आपने एक अच्छी म्यूजिक बजाया। शेफ मुनीजा को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। यस शेफ मुनीजा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो की शान है, हमारी बड़ी प्यारी बहन है, एंड हमारी दुआ है कि आप हमेशा दूल्हा भाई के साथ इसी तरह खुश खुर्रम जिंदगी गुजारती रहे। और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और आप जिस तरह जानते हैं कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं फोकस करने की, कि हम कभी कभी जो काम की चीज़ें हैं उन पे से फोकस हटा देते हैं या हट जाता है खुद ब खुद, और हम भूल जाते हैं। कभी कभी कुछ इस तरह के रिश्ते भी होते हैं जिनको आपको रोज़ाना नर्चर करना होता है, रोज़ाना उन रिश्तों का ख्याल करना होता है, और रोज़ाना उन रिश्तों को ये बताना होता है कि हाँ मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इसी तरह का, मतलब रिश्ता ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक रिश्ता हो, या आपका रिश्ता तालीम से भी होता है, या आपका रिश्ता आपकी जॉब के साथ भी होता है। और हम आजकल की ज़िंदगी में मसरूफियत की वजह से, महंगाई की वजह से, पॉलिटिकल हालात की वजह से हम अपना फोकस लूज़ कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वैसे ही होता है, यानी वो ज़्यादातर ज़्यादा देर तक एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, उनको बारहा बार बार एक नई चीज़ चाहिए होती है काम करने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए होता है, कोई नया मिशन चाहिए होता है, कोई नया गोल चाहिए होता है, या कभी कभार बहुत ख़तरनाक बात है, एक नया इंसान चाहिए होता है ताकि उनकी ज़िंदगी में उनका इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे। आज इसी टॉपिक पर बात करने हमारी एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, रमशा रज़ा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आज वो ये बताएंगी कि इतनी जल्दी हमारा जो अटेंशन है वो चीज़ों से क्यों हट जाता है। मैं रमशा, अस्सलाम वालेकुम रमशा, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। रमशा, आप एक ज़बरदस्त किस्म की काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। रमशा, इतनी जल्दी अटेंशन हमारा क्यों लोगों का आजकल चला जाता है, लोग लूज़ कर जाते हैं? फर्स्टली अगर हम बात करें कि जो टर्म, जो पूरी डेफिनेशन आपने बताई है, इसको मैं अगर एक टर्म में बताऊं जो हमारी कॉमनली यूज्ड है आजकल यूथ में या अडल्ट पीपल में, तो हम उसको कहेंगे इट्स नेम्ड एज डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट जाते हैं बहुत आसानी से बहुत सी चीज़ों की वजह से। हाँ, अगर हम पूछें तो डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं इसको अपने जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इट्स लाइक ए डिस्ट्रैक्शन इज़ एन एक्शन विच इज़ नॉट प्लान्ड। कोई एक्शन ऐसा हो रहा है जो कि अनप्लान्ड है,
जो कि हमने प्लान नहीं किया था. इट्स वेरी अनसर्टेन, बहुत ही अनसर्टेन तरीके से वो हमारे सामने आ गया. फॉर एग्जांपल आज मैंने शो के लिए आना था, आपका शो हो रहा है, पूरा सेट है, सब कुछ है, यहाँ से लाइट चली जाती है. व्हाट वुड वी डू, हम क्या कर सकेंगे, क्या वो हमारे हाथ में था? बिल्कुल भी नहीं. तो इट्स लाइक अब हमें उसके लिए प्लान बी को रेडी रखना पड़ेगा. वी नीड, इट्स लाइक अब हमें क्या चाहिए कि हमें पूरी चीज़ों को प्लानिंग करनी चाहिए. लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजूहत क्या होती है? व्हाई वुड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इतनी जल्दी? क्या हम इमेच्योर होते हैं, या हम जिस चीज़ में पहले इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उनके अंदर हम शायद दिल से इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, शायद पीयर प्रेशर है, या लोगों ने कहा हुआ इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वजूहत होती है? एग्जैक्ट अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ और इसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो दो हिस्सों में होती है. इट्स लाइक एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं और एक कुछ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं. अगर एक्सटर्नल ट्रिगर को मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, लाइट का चले जाना, कोई ऐसी इमरजेंसी घर में हो जाना, कोई ऐसी कॉल आ जाना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान, जो कि बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होती है. इंटरनल ट्रिगर्स की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट बोर्डम होना, जो आजकल के बच्चों के मुँह से बहुत हम आराम से सुन रहे होते हैं, बहुत कॉमन फैशन वर्ड है कि वी आर बोर. हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, बोरियत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं. एग्जैक्टली. देन आता है सोशल एंजाइटी. सोशल एंजाइटी के हम आजकल कोई नया काम करते हैं, डिस्कम्फर्ट में आते हैं, कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करना नहीं चाहता, और कर भी रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, वी कैन नॉट डू दिस, हम नहीं कर सकते. स्ट्रेस, आई थिंक वो प्रेशर होता है ना, मेरे ख्याल से एक प्रेशर रमशा ये भी होता है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू पास ऑफ, सब चाहते हैं कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी हो, लोग उनको तारीफ करें और ये मान जाए कि हाँ भाई तुम अच्छा काम करते हो. आई थिंक वो जो एक मिशन है अपने आप को प्रूव करने का, मेरे ख्याल से एंजाइटी का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हम चाहिए शो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पसंदीदगी इसकी बढ़े, आप जो भी काम करेंगे ऑफ कोर्स अभी चाहती होंगी कि लोग आपको ज़्यादा समझें, एक एक्सेल करें अपने काम के अंदर. मुझे एक बात ही बताएं, इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना ज़्यादा इसमें साथ देते हैं? इसमें अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 30% सिर्फ आपको एक्सटर्नल जो ट्रिगर कर रहा होता है वो डिस्ट्रैक्शन में उसका एक पार्ट होता है, लेकिन जो आपके अपनी इंटरनल ट्रिगर्स हैं, जो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो 70% इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं. और जो भी इंटरनल ट्रिगर्स हैं, बोर्डम हो गया, सोशल एंजाइटी हो गई, या आपकी जो भी स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल नहीं हैं. कंट्रोलेबल है. एग्जैक्टली, दीज ऑल आर कंट्रोलेबल. आप जैसे अपने आप को, हम जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, फिजिकली हम लोगों को अपीलिंग बनाना चाहते हैं. या खवातीन ब्यूटी पार्लर जाती है, ब्यूटी पार्लर, या अपने आप को मतलब हेयर कलर कराती हैं, अपने आप चेंज लेके आती हैं. सिमिलरली हमारे जो मेंटल ग्रोथ है ना, उसको भी एक मेडिटेशन की, एक चेंज की जरूरत होती है. एंड उस चेंज के लिए यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू लर्न समथिंग. हम कुछ चीज़ें अब एक एज पे आके, सर्टेन एज पे आके हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अब हम क्या सीखेंगे, अब हमारी लाइफ में बोरियत है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे नहीं. लेकिन एक और चीज़ भी तो है रमचल, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि यार अब कहाँ अच्छा लगेगा, मैं कहाँ अच्छी लगूंगी ये करते हुए, ये कहाँ अच्छा लगेगा. एक तो ये भी बहुत सारी बकवास है जो हमें इनसर्कल करती है, ये बाकायदा बकवास है. एग्जैक्ट, मुझे लगता है हमें गलत तरीके से ट्रैप कर लेते हैं. हमारे साथ एक कॉलर है नौरीन फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौरीन. क्या नौरीन, आप हमसे बात कर रही हैं या किसी और से? हेलो नौरीन, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी, सलाम नौरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे क्वेश्चन करना था आज के टॉपिक के हवाले से. जी जी जी, बताइए क्या क्वेश्चन है. ये इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. दिस इज व्हाट डिस्ट्रैक्शन है. उन्होंने आपको एक सोच में डाल दिया कि आप सोचते रहें कि क्या क्वेश्चन. मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी वजह होती है डिस्ट्रैक्ट होने की. Exactly. है ना, किसी को आप कहेंगे अगर रमशा ये, अब देखें आप काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आप उससे पहले एक इंसान है. Yeah. अगर मैं आपसे एक बात कहूँगी रमशा मुझे आपको एक बात बतानी है, फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा चले छोड़ें, तो आप कितना बिल्डअप हो जाएगी. नहीं बताओ क्या बात है, नहीं नहीं मुझे बताओ, मैं कहूँगा अच्छा खैर छोड़ो रहने दो. तो आप ऑफ कोर्स, अब मुझे ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें बड़े आइडेंटिफाई करके अपनी ज़िंदगी में रखने चाहिए. मैंने बजाते खुद हमेशा से एक चीज़ की जो मेरे लिए काम की, मैं जब शुरू मैंने अपना करियर किया तो और ये आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इसमें लक का साथ होना पड़ता है कि आप इतने खुशकिस्मत हों कि आप ये सेटअप्स कर सकें. शुरू में जब आप काम करते हैं ना तो इतने सारे नए लोग होते हैं, उनके अलग अलग टेम्परमेंट्स होते हैं, अलग अलग उनके एटीट्यूड्स होते हैं, उनके साथ कोपअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैंने जब थोड़ा सा मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने दोस्तों में काम करूँ. मेरे दोस्त जितने भी हो, दोस्त हों या जो मुझसे लोग करीब हैं, वो मेरे इर्द गिर्द हों काम में भी,
तो मुझे लगता है कि एक एबिलिटी काम करने की, वो काम फिर काम नहीं रहता. Exactly. वो फिर उसके आई थिंक उसकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो बड़ी ऊपर exactly. हो जाती है. और फिर सब मुझे लगता है एक कलेक्टिवली ख्वातीनों हज़रात इस बात को ज़रूर समझिएगा, जब आप कलेक्टिवली मुंजमद होके एक होके किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप उसमें कामयाबी 100% पाते हैं. क्योंकि आप सोचिए कितने सारे जहन एक साथ हो जाते हैं, कितनी सारी किस्मतें एक साथ हो जाती हैं, कितनी सारी दुआएं एक साथ हो जाती हैं. तो कलेक्टिव होने में, एक साथ होने में, मुंजमद होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. इसीलिए मैं कभी कभी ये भी मुझे लगता है रबशा कि फैमिली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं जो कि आजकल की ख़वातीन मैसिवली उसके ख़िलाफ़ है. वो सब चाहती मेरा अपना घर हो, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे तो बड़े अपील करते हैं. आपके पास जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो क्या एज ग्रुप है और उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स अब क्या फेस करती हैं? बेसिक प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द यूथ सेक्टर. लाइक अगर मैं आपको एज ग्रुप के में बताऊँ तो लाइक 20 to 28, 29 इसमें होते हैं मेजॉरिटी. एंड उनका यही होता है कि दे आर ब्लैंक. 29 मतलब 30 के बाद यूथ फैक्टर खत्म हो जाता है. नहीं, मैंने इन मेजॉरिटी बताया कि मेजॉरिटी. लेकिन उसके बाद ज्यादातर आपके पास ये 20s में लोग आते हैं. फिर उसके बाद जो एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर आपके इश्यूज चेंज होते चले जाते हैं, फिर उनका नोशन चेंज हो जाता है, फिर प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती है. बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज लाइक ये वो वाली एज होती है जिसमें यू नीड टू डू समथिंग न्यू. अच्छा, तो यंगेस्ट लॉट आता है आपके पास, समझते कि जो सबसे ज्यादा छोटे एज के लोग आते हैं उनके क्या प्रॉब्लम? उनके प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड, उनके प्रॉब्लम, स्ट्रेस. आजकल के बच्चों का एक नया मतलब वर्ड उन्होंने सीख लिया, वी आर इन स्ट्रेस. हम बहुत स्ट्रेस है, हमें पेपर का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, बट दे डोंट नो. इट्स लाइक स्ट्रेस को भी टैंगल किया जा सकता है, उसको भी डील किया जा सकता है. वो कैसे कि यू नीड टू लर्न, व्हेन यू गोइंग टू लर्न थिंग आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना. इंसान परेशान कब होता है कि जब उसका इंटेलेक्ट छोटा होता है तो उसको छोटी सी परेशानी भी ना बहुत बड़ी लगने लगती है. तो इट्स लाइक अगर आपको चीज़ों का एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे आप सोच सकोगे, आपकी सोच बड़ी होगी ना, तो आप उस चीज़ों को, अगर मैं एक कोटेशन कोट करूँ कि इट्स लाइक मुसीबत में परेशानी में एक मुसीबत में परेशानी एक और परेशानी को लाइक उसे बिल्डअप और करती है, और बिल्डअप करती है. तो इट्स लाइक कि आप परेशान हैं, सही, आपके साथ आती है परेशानी, यू नीड टू फोकस ऑन इट कि आपको फोकस कैसे करना है. देखिए रमचा, हमारी जो आजकल की यूथ है इतनी जल्दी एक डीमोटिवेट क्यों हो जाती है? इट्स लाइक अगर आप, अगर मैं इस तरह से बात करूँ कि अगर सोशल मीडिया को लूँ मैं, तो अब मैं, इट्स लाइक इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर जो भी यूथ होती है, या मैं भी हूँ या आप भी हों, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे आप, सही है. एंड यू आर गोइंग टू, जब आपको पता है कि वो आगे प्रॉस्पर कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप उसे कंटिन्यूसली उसमें ही इंगेज होकर देखते रहेंगे. तो वो आप उसमें ना फिर एक कॉम्पिटिशन बिल्ड हो जाता है कि मैं जो हूँ, मैं इस फाइनेंस के लेवल पर मुझे मीट करना है. ये करियर में प्रॉस्पर कर रहा है, वो फाइनेंस में प्रॉस्पर कर रहा है, एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग. लेकिन उनको कहीं, उनको जो सामने, जिनको आप आइडियलाइज करें, वो कहीं ना कहीं आपको आइडियलाइज करें. तो इट्स लाइक ये कनेक्शन, एक आप कहेंगे कि ये कनेक्टिविटी है कि आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, मैं आपसे इंस्पायर हो रही हूँ, एंड वी बोथ आर लूजिंग आर कनेक्शन, एंड वी बोथ आर लूजिंग आर डिस्ट्रैक्ट है, और हम डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं. अच्छा, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको लगता है कि सोशल मीडिया को बैन हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए या लिमिट कर देना चाहिए यूथ के लिए कि नहीं बस एक घंटा रोज? इट्स नॉट, जब भी कोई चीज़ बनती है ना तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. अगर मैं उसको एज अ, मैं अगर कोई एक बात करूँ, एक एग्जांपल लूँ एक गन की, तो उस गन को हम अच्छी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और हम उससे किसी की जान भी ले सकते हैं. एग्जैक्टली. सिमिलरली सोशल मीडिया भी ऐसे ही. गन से मुझे याद आया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने एक बिल पास किया है कि अब गन्स की सेल कनाडा में नहीं होगी. हमें भी इस तरह का कोई लॉ पास करना चाहिए. खबर 3 रोजा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा. वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है रमशा जो कि एक बहुत शानदार साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर है. रमशा, हम अपना फोकस किस तरह मेंटेन करें काम पे, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लें? एक फार्मूला बताऊंगी बस, जिसमें जो फोकस को डिफाइन कर देगा. अनडिवाइडेड अटेंशन, वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ करो पूरी अटेंशन के साथ. दिस इज द ओनली फार्मूला टू फोकस ऑन समथिंग. हम क्या करते हैं, हम आज, मैं एज अ हाउस वाइफ लाइक, या कोई भी एज अ काउंसलर, एनी थिंग एल्स,
मैं क्या करूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, और एंड में क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो इट्स लाइक कि आपको एक चीज़ को एक सर्टन टाइम पीरियड देना चाहिए टू कम्प्लीट दैट, उससे पूरी तरीके से उसका अपना फोकस करके अटेंशन देके उसमें आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं ये भी कर लूं और मैं ये भी कर लूं, तो फिर मैं मेरी एनर्जी में, इंसान जब सोचता है ना तो उसकी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, सिर्फ आपकी फिजिकल पावर से एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, सोचने से भी आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है एक्स्ट्रा चीज़ों में, तो वो एनर्जी जो आप सोच के एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर लो अपने काम में, तो वो इफेक्टिव भी होगा और प्रोडक्टिव भी होगा। अच्छा, एज ए काउंसलर कभी आपके पास कोई इस तरह के क्लाइंट्स हैं जिनकी अटेंशन डेफिसिट, ये जो एक चीज़ पे फोकस रहने का या अटेंशन का मसला इंसानों से रिलेटेड हो, कि एक रिलेशनशिप में क्या बोर हो गए, कोई और हो, मतलब फेड हो गया, अब दिल नहीं लग रहा, ऐसे आते हैं कि हम, मतलब होता है कि हम ऑलरेडी, जैसे अरेंज मैरिजेज में हो गया कि हमने कर लिया पेरेंट्स के उस पर, एंड देन हम उसको आगे नहीं ले जा पा रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि वो माइंड सेट ऐसा है। अब हम क्या होता है कि हमारी यूज है वो बोर हो जाती जल्दी, रिलेशंस में बोर हो जाती है, चीज़ों के साथ साथ रिलेशंस में बोर हो जाती है, तो वो अपने, तो इट्स लाइक ये चीज़ें होती हैं, आपको आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कुछ हो, यू नीड टू गिव सम टाइम। आप दो महीने में आप ऐसे आके कहते हो कि यार मुझसे नहीं चल रहा, वी कैन नॉट मूव इट ऑन, हम इसको आगे कैरी नहीं कर सकते, तो आगे जाके मसला होने से बेहतर है हम यहीं पे, नहीं, यू नीड टू गिव टाइम। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, फोकस लोग फोकस रखें कैसे, मतलब देखिए ऑफकोर्स अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, किसी एक अच्छी जॉब पे फोकस कर रहे हैं और आपको सिमिलर कोई और जॉब अच्छे पैसों में ऑफर होती है, तो ऑफकोर्स आपका फोकस वहाँ चला जाता है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप थोड़ा सा हल्का भारी हो रहा है और आपको कोई और इंसान ज़्यादा तवज्जो देने लगा, फौरन से वहाँ चले जाते हैं। ये आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इंसान वो अकल समझ के साथ है, तो वो थोड़ा समझे उस चीज़ को कि कहाँ सबसे जो बड़ी चीज़ है, और हम जो लैक करते हैं वो है कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेट करें, बात नहीं करते, एग्जैक्टली, हम पार्टनर आपस में पार्टनर एक दूसरे कम्युनिकेट करें, दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, और हमें क्रिटिसिज्म को, हेल्दी क्रिटिसिज्म को वो एक्नॉलेज करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई ताना दे रहा है तो उसे हम, और एक इंसान को क्रिटिसाइज करने में भी ना एक सैंडविच होता है उसका, कि अच्छी बात बताओ, फिर उसकी गलत बात बताओ, फिर उसकी अच्छी बात बताओ, तो उसको ना बुरा भी नहीं लगेगा। तो इट्स लाइक अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करने से इंसान में इम्प्रूवमेंट ही आती है। लेकिन रमजे, अगर आपका कभी किसी में इंटरेस्ट होता है तो आपको उसकी कोई बुरी बात तो नज़र ही नहीं आती, और जब इंटरेस्ट खत्म होता है तो कोई अच्छी बात फिर नज़र नहीं आती, ये है ना फिर सारी, ये एक बड़ा मसला है। True. ये एक बहुत चीज़ है। जब हम यूथ की बात करते हैं, जब आप, अच्छा, यू नो मोस्टली पीपल जो आपके पास 30 से 40 वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनके क्या मसाइल आप फेस करते हैं? उनके मसाइल होते हैं कि अब हम क्या करें, हमने वो एज गुजार ली, अब हम कुछ नया नहीं लर्न कर सकते, काम के तवस्सुल से या हाउस वाइफ होती हैं कि हम घर पे बैठ के, हम अब सब बच्चे बड़े हो गए हैं, हम सब अपने अपने कामों में लग गए, नाउ हम अब हम निगलेक्ट हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तो इट्स लाइक एक एज होती है, फिर ऑप्शन जनरेट करने पड़ते हैं कि आप इस, आपकी जो अपनी लैकिंग्स थी जो आप अपने टाइम पे नहीं कर सके, तो इट्स नॉट टू लेट, कुछ भी लेट नहीं हुआ है, अभी यू कैन वर्क ऑन। आप अगर किसी को कोई स्किल ऐसा सीख लें जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकें, या खुद अपने आप को सेटिस्फाई करें, ज़रूरी नहीं है कि हर स्किल से फाइनेंस जनरेट हो सके। अगर आप चाहें तो आप कोई ऐसी स्किल जनरेट, उस पे स्किल पे वर्क कर लें जो आपको पैशनेट है बस उस चीज़ के बारे में, और आप, मेरे ख्याल से काम वही करना चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। रमचा, बहुत सारी खवातीन ये प्रॉब्लम हमें बताती हैं, कभी शो पे कॉल भी आती है, क्योंकि और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, बहुत सारे लोग शो पे हमारे आते हैं कि शादी के बाद जो उनके इन लॉज हैं उनका सेल्फ इस्टीम मार देते हैं, मतलब इन लॉज हैं, या चाहे उनके शौहर हैं, या चाहे उनकी सास वगैरह जो भी हैं घर में, या नंद हैं, या जो भी हैं, वो एक लड़की को ये एहसास ज़रूर दिला देते हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई शख्सियत नहीं है, और हमने बहुत बड़ा एक एहसान किया है तुमसे शादी करके, अपने भाई की या बेटे की, और अब तुम सारी ज़िंदगी मुरीदगी में गुजार दो। इस तरह की कोई खवातीन आपके पास आई जिनके इस तरह के मसायलों के शैटर्ड सेल्फ इस्टीम हो उनकी? तो इट्स लाइक यहाँ पे आती है सेल्फ लविंग, कि अपने आप से प्यार। वही मैं आपको बताई थी कि हम दूसरों के लिए तो तैयार हो जाते हैं, हम फिज़िकली फिट होते हैं कि हम जिम जाएं तो हम अपने आप को और करें, लेकिन इसमें हम, औरत जो होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, जो मेजॉरिटी रेशियो है औरत का, वो अपने आप से प्यार नहीं करती। यहाँ भी ज़रूरत होती है कि अपने आप से प्यार करो, फिर जब आप अपने पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस
है, आपके पास अपनी सेल्फ स्टीम है ना, और आप फिर नो वन कैन शेयर टू यू, चाहे वो आपका अपना अपनी माँ ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो सास हो, नंद हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, लेकिन आप अगर अपने आप से मुतमईन होंगे ना और अपने आप को प्यार कर रहे होंगे कि नो यू नो कि वही वाली बात, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी कोई बुरी चीज़ आपको बुरी नहीं लगती. तो अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे ना तो आपको अपनी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी. यू वुड बी लाइक कि वो बोल रहा है तो बोलने दो, वही वाली बात ना, लोगों का काम तो कहना है. लेकिन रमशा, अपने आप से बदला लेना कितना सही है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं वो कभी कभी अपने आप को खा के ओवरवेट कर लेती हैं या अपना बिल्कुल ख्याल रखना बंद कर देती हैं और कहती है नहीं बस मैं अपने आप से बदला ले रही हूँ कि मैंने ये स्टेप जिंदगी में क्यों लिए, मैं मतलब अपने ही दुश्मन खुद बन जाते हैं. ये कितनी गलत बात है. जैसे आप किसी के साथ दूसरे के साथ बदला लेने जितना गलत है उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने आप से, क्योंकि आप अपने जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपसे मोहब्बत करेगा. जब आप अपने आप को अजियत दोगे तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आपका हस्बैंड आपको आके ख्याल करेगा या आपको पैम्पर करेगा. लेकिन रमशा, बहुत सारी हमारी खवातीन हमारा शो देखती हैं, हमें मैसेजेस में और ईमेल्स में पता चलता है, कहती है हमें वक्त नहीं मिलता. सुबह उठती हैं काम करने के लिए घर का, चाहे वो सफाई हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे खाना देना हो, चाहे खाना दे के बर्तन धोने हो, फिर कपड़े धोने हो, मतलब हमारी खवातीन तो पूरी वॉरियर्स हैं. तो अपने घर में पूरा पूरा घर, एक्चुअली मुझे लगता है कि जो साउथ एशियन खवातीन है ये होममेकर्स हैं, घर तो ये बनाती हैं. अपने बारे में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं इतनी ज़्यादा एम्बिशियस खवातीन को मिला हूँ पिछली दिहाई में. अब लड़कियाँ फिर थोड़ी सी एम्बिशियस अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन मेजॉरिटी खवातीन की, बेटियों को भी यही सिखाया जाता है, बेटा बस अब तुम जा रही हो, अब इस पूरे घर को तुमने संभालना है, तो वो केयर टेकर के तौर पर शादी करते हैं. इस तरह की मुझे लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स को भी, यानी कि जो वालदेन हैं, उनको काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है सख्त, कि अपनी बच्चों को आप खुद मुख्तार करके. मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, बेटियाँ हैं या बेटे जो भी हैं, जब वो खुद मुख्तार हों, उनके पास डिग्री हो और वो एक कोई जॉब कर चुके हों, तब आप शादी कीजिए. उससे पहले बच्चों को शादी करना, बेटियों को बस हमने एहसान उतारना है, बेटी अमानत है, ये सारी बातें बहुत आउटडेटेड हो गई हैं. आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जब उनके पास डिग्री आ जाए, वो खुद मुख्तार हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सके. जब उसके पास डिग्री होगी ना तो वो कोई भी उसके लिए गलत फैसला करेगा या ज़्यादती करेगा तो वो अपना डिसीजन ले सकती है और अपनी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है. और मैं आपको बताऊँ, खुश रहने का हक सबका है. आप ये जो बात होती है ना, निभा लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, समझौता कर लिया, क्यों? जब आप खुश रह सकते हैं, आप जी सकते हैं ज़िंदगी, इतना खूबसूरत अल्लाह ताला का तोहफा है ये ज़िंदगी. और इस्लाम में हर चीज़ का हल मौजूद है. अगर आप इस्लाम को पढ़िए, कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़िए, आपको हर चीज़ का हल मिल जाएगा. रमशा, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन द शो. बहुत मज़ा आया, आपने बहुत एनलाइटन किया हमारी ऑडियंस को. खवातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए. कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.